आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो रेशियो प्रोपोर्शन मैं करवा रहा था आपको, उसकी मैं 8 क्लासेस आपको दे चुका हूँ, ठीक है। अब आपको ये कंपाइलेशन करवा रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको, जो भी चैप्टर मैंने करवाया है उसके लास्ट में, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक 6-7 घंटे की कंपाइलेशन परसेंटेज के टाइम पे दे चुका हूँ, और ये वाली मैं रेशन प्रोपोर्शन की भी, बहुत सारे क्वेश्चन है तो इसको 2 पार्ट में दूंगा। कोशिश करेंगे 2 पार्ट में या फिर 3 पार्ट में मैक्सिमम जाएगी। तो उसका पहला पार्ट है ये। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसमें, आप एंड तक देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन आप ठीक से कर पाए और आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन दे रखा है ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और डी रेशियो सी दे रखा है, और आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछा हुआ है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन गिवन है। देखिए, क्लास 2 में अगर आप जाएंगे, रेशियो प्रोपोर्शन की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर आप जाएंगे, तो उसमें मैंने मर्जिंग का, रेशियो मर्जिंग का एक मेथड बताया हुआ है, ठीक है। उस मेथड को करने से क्या होता है कि आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। देखो कैसे, कितने वेरिएबल हैं, 4, ए बी सी और डी। ए और बी कितना दे रखा है, 2:9 और 1:3। कहने का मतलब क्या है, अगर आप यहां से 3 से इससे काट दोगे तो 2:3 दे रखा है, मतलब ये 2:3 दे रखा है पहले केस में। दूसरे केस में देखो, जो क्लास 2 देख लेंगे ना उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम इतनी क्विक कैसे मर्जिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्लास 2 देखिए पहले, प्लेलिस्ट में भी है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा 8 क्लासेस का, और कमेंट में भी हम डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए, ए और रेशो बी सेकंड से लिख दिया। सिमिलरली आप बी रेशो सी का देखो, 2:7 और 5:14, 7 से काट दो, ये 2, 2 ऊपर चला जाएगा, 4:5 हो गया। तो सेकंड केस में आपने देखा, ये फर्स्ट केस में 2:3 लिख दिया, सेकंड केस में आपने देखा 4 और 5, ये इस तरीके से फर्स्ट केस का ऐसे लिखा, सेकंड केस का सर्कल में डाल दिया। थर्ड केस का डी और सी की बात कर रहे हैं, अब फिर से यहाँ पे देखो, 7:10, 3:5, 5 से काट दिया 2, तो ये 7:2 और 3, मतलब 7:6 हो गया। तो थर्ड केस में आपने देखा डी और सी है, ध्यान रखना, तो डी 7 है और ये 6 है। मैंने आपको बताया था ना मेथड, जब क्लास 2 में मर्जिंग का फेमस मेथड है कि इसको कैसे मर्ज करना है, 3 लिखा है इधर भी 3 लिख दो, इधर भी 3, यहाँ 5 लिखा है यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ 4 है यहाँ पे 4 लिख दो, 6 है यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, क्लियर। बस अब इसको काटो, क्या कट रहा है आप देखोगे, 3:3:3 और यहाँ पे काटो 2, कट गया। आंसर क्या आएगा, 4:8, 8:16, पहले में 16 आ रहा है, तो आप यहीं से मार्क कर सकते थे बी, और उसके बाद आगे चले जाते, लेकिन प्रॉपर भी देख लो कि सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। 6:4:24, थर्ड में देखो 6:5:30, फोर्थ में देखो 7:5:35। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ही रहा। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। क्लास 4 देखिए आप पहले, ठीक है, जो मैंने थ्योरी की क्लास दी है वो इसीलिए दी है ताकि आप लोग कंपाइलेशन करने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले आपको थ्योरी पता हो, है ना। प्रैक्टिस आप तभी कर पाते हैं ना जब आपको पहले थ्योरी पता होती है। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन में मैंने आपको बता रखा है कि 2 चीज़ें गिवन होती है, मान लो ए और बी गिवन होते हैं, ठीक है, और थर्ड प्रोपोर्शन में ए बाय बी इक्वल्स टू बी, यहाँ पे आंसर निकलता है मेरा, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। अब गिवन क्या है, इन्होंने ए और बी मतलब कि 2 चीज़ें दे रखी है, ये और ये, तो बस अब मैं ऐसी फॉर्म में लिख दूंगा, कैसे, a² - b² अपॉन a - b इक्वल्स टू, देखो ये वाला जो b था, जो सेकंड चीज थी, वो रिपीट होती है यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे a - b अपॉन आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखिए, a² - b² की जगह मैं अगर a+b और a - b लिख दूँ तो बात बन जाएगी, इससे a काट दो तो आपका आंसर उधर चला जाएगा। तो मतलब ये आंसर जो आया मेरा वो क्या आया, a - b अपॉन a+b। बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है शुरू में, और बाद में आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे।
तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, मीन प्रोपोर्शन पूछा है, इससे पहले आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा था, इसके लिए भी आपको क्लास वही देखनी है जो मैंने बताया, क्लास फोर देखनी है आपको, ठीक है। अब देखिए मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछा है, मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है, मेरे पास ए और बी गिवन होता है, इसमें भी दो चीजें गिवन होती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम जब लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ए अपॉन जो आंसर वेरिएबल होता है यहाँ पे, और इधर भी आंसर वेरिएबल, और ये भी, तो और या फिर आप सीधा कह सकते हो कि जो आंसर का स्क्वायर या फिर आंसर जो आएगा रूट में ए भी आता है मीन प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो बस मैंने देखा दो चीजें गिवन है ए और बी, और यहाँ पे भी 3.6 और 0.9, तो लिख दो 3.6 इंटू 0.9, देखो ये हटा दो, 10 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे आ गया, 36 का बार कितना आएगा 6, और 9 का अगर हम रूट लेंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ पे 10 और 10 दो बार है तो सिर्फ एक बार 10 नीचे आएगा, तो 1.8, क्लियर है, बेसिक कैलकुलेशन, कुछ इसमें खास इतना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, कि इसमें एक इक्वेशन दे रखी है आपको, पता नहीं कितने लोग इसको कर पाएंगे, मैं बोलूंगा आप लोग पहले इसको पॉज करके ट्राई करो, और फिर आप जब समझोगे तो आपको इस क्वेश्चन की थोड़ी वैल्यू समझ में आएगी कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो 6a² - 16ab + 8b² = 0, ठीक है, और आपको निकालना है ए रेशियो बी। देखो जैसे आप ये चीज देखोगे, अब आप कई काफी लोग इसके बाद रुक जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना, काफी कंफ्यूजिंग वाली स्टेटमेंट आ गई, क्योंकि ए रेशियो बी चाहिए, क्या करूं मैं, क्या ये ए माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर बन रहा है, क्या ये कुछ और बन रहा है, इस तरीके से आप सोचोगे। देखो मैंने क्या किया, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, सबसे बढ़िया आप ऐसे किया करो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ए बाय बी निकालना है ना, इसको एक्स मान, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को ए बाय बी से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे भी ए बाय बी से डिवाइड कर दी, यहाँ पे भी ए बाय बी से, या फिर आप ऐसे लिख लो कि हर एक चीज को ए बाय बी से करना है, ये बात तो एक ही है, ए बाय बी से डिवाइड, ये भी ए बाय बी से डिवाइड, ये भी ए बाय बी से डिवाइड, तो यहाँ से ए के से ए कट गया, 6a / b बच गया, यानी कि 6x, ठीक है, माइनस यहाँ से पूरा कट गया -16, प्लस 1b से ab कट गया तो b/a हो गया, मतलब 8x हो गया, क्योंकि मैंने a/b को x माना है, इस चीज का ध्यान रखना बिल्कुल, और यहाँ पे इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन जो मेरी मॉडिफाई होकर आई वो क्या आई, 6x + 8x = 16, ठीक है। अब इसको हाफ कर दो, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 8 हो गया, मतलब 2 से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप इक्वेशन को इसको और सॉल्व करो, यहाँ पे x और x, ये 3x² - 8x, और ये कितना था, +4 = 0, बस। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना भी सिखा रखा है, अलग से नहीं सिखा रखा, लेकिन जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें मालूम है कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करा 3 और 4 = 12, तो 8 को -8 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि 12 आ जाए, तो 6 और 2, तो आपने देखा ये 6 और ये 2, -6 - 6, और पहले वाले कोफिशिएंट से डिवाइड, 3 और 3, और साइन चेंज कर दिए, तो अब आपको क्या पता चला, यहाँ से आपने काटा यहाँ पे कितना आया 2 और 2/3, तो ए बाई बी की वैल्यू निकालनी है, दो आएंगी, एक 2 और एक 2/3, ऑप्शन देखो 2/3 और 2/1, 2 मतलब वही होता है ऑप्शन ए, एम आई क्लियर। इस क्वेश्चन को थोड़ी सी वेटेज दो, इस क्वेश्चन पे आप कम से कम इसको 2 बार देख लो, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग, और मतलब ईच नंबर में से आपने क्या सबसे छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे क्या हो कि वो सारे नंबर प्रोपोर्शन में आ जाए, मतलब कि किस प्रोपोर्शन का, मतलब आपको समझा रखा ना, क्लास वन में समझाया था कैसे, कि ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी जब होता है तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में होते हैं, या फिर मैं दोबारा से लिखूं, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, बात वही होती है, ठीक है। तो इसके लिए, इस टाइप के लिए मैंने एक्सक्लूसिव तरीका बता रखा है आपको, क्योंकि ये बहुत हिट टाइप है, काफ़ी हर एक पेपर में आता है, किसी भी, आप चाहे एसएससी की बात करो
चाहे आप CDS की बात करो, UPSC के, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की बात करो, कॉम्पिटिशन में इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप क्लास 5 में जाके देखिए, मैंने एक मेथड बता रखा है सीधा सीधा। क्या बता रखा है मैंने आपको बताया, जब चार चीज़ें दे रखी है ABCD और आपको आंसर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, AD-BC ठीक है, अपॉन में मैंने बताया था कि A+D- जो ऊपर है उसी का B+C, इस तरीके से ठीक है। ये मेथड है, आप इसको अब ABCD वैल्यू दे रखी है, इसको आपने क्या किया, वैल्यू रख दो यहाँ पे। गिवन क्या क्या है आपको, चार चीजें गिवन है, लिख देता हूँ, ये 21, ये 38, ये 55, यहाँ पे 106 ठीक है। अगर आप इसमें वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 4। और ये तो मैंने आपको बता ही रखा है मेथड। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आप ऑप्शन से, अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखो, अगर मैं 2 कर दूंगा इसमें से माइनस, तो 19 आ जाएगा। इसको करोगे ये कितना आ जाएगा, 36। 19 36, क्या ये आपस में कुछ कट रहे हैं, 19 36 का रेशियो बन रहा है, ये तो कट नहीं रहा, और इधर भी 19 36 का बनना चाहिए, जो बनेगा नहीं, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा देखो 4 है, तो अब आप 4 देखोगे तो 21 में से 4 गया कितना आया 17, और 34 में से 38 में से 4 गया 34। आपने देखा हाँ ये कट गया एक और दो, तो मैं आगे भी चेक कर लूँगा इसको, 55 में से 4 गया 51, 104 में से 106 में से 4 गया 102, तो यहाँ पे भी 1/2 आ गया। तो मैच कर गई बात, 1:2 यहाँ पे भी आ रहा है, 1:2 यहाँ पे भी आ रहा है, इसी का तो मतलब प्रोपोर्शन होता है। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर, क्योंकि मिनिमम नंबर पूछा है ना, तो 4 इसके बाद, तो अगर कोई और आंसर हुआ भी, मान लो इसके अलावा भी आपने 8 पे चेक किया वो भी हो गया, लेकिन आपसे तो लीस्ट पूछा है तो यहीं पे आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि कई बार क्या होता है, ऑप्शन से टाइम वेस्ट होता है, तो ये जो मैंने क्लास 5 दी है मैंने इसीलिए डिवोट कर रखी है, कई बार आपसे वो ऐड पूछेगा, सब्ट्रैक्ट पूछेगा, हो सकता है आपको पॉइंट्स में बोल दे, हो सकता है आपको किसी और तरीके से फंसाने की कोशिश करे, तो उसका यही जुगाड़ है कि आप इस तरीके से कीजिए और फिर आपका आंसर सही आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, पी रेशो क्यू रेशो आर, क्या गिवन है, पी रेशो क्यू रेशो आर 1:2:4 ठीक है, और इसने पूछा है कि इसका आंसर, इसकी वैल्यू निकालो। आप एक चीज़ देखो, अब अगर ये पी रेशो क्यू रेशो आर है 1:2:4 है, जब मैंने आपको रेशो की स्टार्टिंग बताई थी तो मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है कि एक आपके पास बिग कोई ब्लॉक है जिसकी कितनी यूनिट है, इन सबको प्लस करो 7 यूनिट का, तो उसको आपने ब्रेक कर दिया ऐसे 1:2:4 में, तो अगर 7 मतलब पूरे जो हिस्सा है वो इसी वाले बॉक्स का है ना, इसी बॉक्स का है, तो 1:2:4 मान लो ये के से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो ब्रेक होगा वो भी के मतलब वेरिएबल बदलेगा तो नहीं। अब बस पूछा क्या इन्होंने, अब आपने देखा पी की जगह अगर मैं 5 और यहाँ पे पी की जगह लिख दूँ के, तो के स्क्वायर, क्यू की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा 2, तो 2k का होल स्क्वायर करोगे तो 4k स्क्वायर, आर की जगह आपको क्या लिखना है 4k, तो 4k का करोगे 16k स्क्वायर, तो आपने देखा है k स्क्वायर सब में आ ही रहा है, और प्लस करोगे तो 16 और 4 20 20 और 5 25 k स्क्वायर, तो 5k आंसर आ गया। अब k तो आ गया, अब देखो अब मैं क्या वैल्यू पुट करूं, मतलब किस तरीके से आपका आंसर, क्या आपका 5 आंसर आना चाहिए, क्या आपका 5p आना चाहिए, इन दोनों में आप फंस जाओगे। तो आप एक चीज देखिए, अगर मैं 5 लिख देता हूँ ये तो एक्चुअल वैल्यू होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने तो p को मान रखा है ना 1k, और यहाँ पे आपने देखा 5k, तो 5p आ गया आपका आंसर, क्लियर है, ऑप्शन सी, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया था ठीक है, कि अगर मैं ए आंसर आंसर बी, या फिर आंसर को अगर आप सीधा निकाल रहे हो अंडर रूट ए बी, तो आपका मीन प्रोपोर्शन आ जाता है। अब इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, एक्सक्यूज मी, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है 3+√2 और ये,
आंसर इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने क्या किया, 3 + √2 × 12 − √32। अब आप एक चीज देखिए, हमेशा जब भी इस टाइप से दे रखा होगा तो कुछ ना कुछ आपको कैच दे रखा होगा कि ये भी तो मैं इस तरीके से लिख पाऊं। तो 12 − √32, √32 को आप कैसे क्या लिख सकते हो, अगर आप इसको लिख दोगे 16 × 2 तो 16 बाहर आ जाएगा अंडर रूट में से, तो आपने देखा ये 4 √2 आ गया, 12 − 4 √2। तो अगर आप 12 − 4 √2 करते हो और 4 कॉमन ले लेते हो, तो देखो यहाँ पे क्या बचा, 4 बाहर ले लिया, 3 + √2 यहाँ पे है ही, और यहाँ पे 3 − √2 बन गया, तो 4 से बाहर आया 2। अब a + b, a − b, तो a² − b² तो यहाँ पे कितना आया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो आपने देखा 2√7 इज योर आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है? देखो है मीन प्रोपोर्शन ही, लेकिन उसके थोड़े से क्वेश्चंस बदल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए आप, क्या दे रखा है आपको, एक सेकेंड, हाँ, a/b इक्वल्स टू c/d इक्वल्स टू e/f, ये सब बराबर दे रखा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है वो पूछने जा रहा है। देखिए एक चीज देखो, जब भी आपको इस तरीके से दे रखा होता है और आपसे जो ऑप्शन पूछे हैं वो सारे इधर भी क्या है, रेशियो में है, ये रेशियो में है दे रखा है ना कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो मैंने जब आपको थ्योरी क्लास पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि जब डिवाइडेड बाय हम करते हैं रेशियो में, ठीक है, और जैसे इस तरीके से है, और आपके पास अलग से, मतलब जो अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री आपकी ऊपर नीचे सेम है, तो बहुत आराम से आपका आंसर निकल जाता है। अदरवाइज कई बार रेशियो में ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं जो CND होता है, जिसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होता है, ठीक है। और थैंक यू सो मच भास्कर त्रिवेदी जी को, उन्होंने ये PPT बनाई है, बहुत बहुत दिन हो गए उन्होंने PPT बनाई थी ये वाली, और थैंक यू सो मच। अब देखिए, a√b = c√d = e√f, तो मैंने इसको k√1 मान लिया, चाहे मैं इसको k√1 मानूं या आप 1:1 मान लो, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, पहला जो ऑप्शन है क्या है, सब कुछ वन ले लिया मैंने, ठीक है, a b c d ये सब 1:1 ले लिया। ऐसा क्यों ले लिया, क्योंकि डिवीजन में है, और आप अगर आप देख रहे हो कि ऊपर नीचे भी सेम, देखो यहाँ पे भी 3 वेरिएबल है a c e, और नीचे भी 3 वेरिएबल है, सब में एक ही पैटर्न है, तो मैं मान सकता हूँ, क्लियर है। अब आप देखो, ऑप्शन वन की बात कर रहा हूँ मैं, 1 + 3 + 5 / कितना आ रहा है, 5 + तो ये 1 + 3 − 5, तो कितना आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 9 1 - 1, लेकिन ये तो गलत है, मेरा तो 1:1 आना चाहिए। दूसरा देखो, दूसरा ऑप्शन 3 + 3 − 5, देखो वेरिएबल की अब जरूरत ही नहीं है, ए सी इन सब की जरूरत नहीं है, 3 + 3 − 5 मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी स्क्रीन पे हो जाएगा ये 1 + 3 − 1, तो ये इससे कट गया, और ठीक है ना, 1 + 3 − 1, और यहाँ पे कितना आया, 1 6 − 5, और यहाँ पे आपने 6 में से -5 किया, यहाँ पे 3 1/3। तीसरे की बात करो, 1 − 1 + 5 / 1 + 1 − 1, तो यहाँ पे आपने देखा 5 आ गया। लास्ट ऑप्शन देखो, 1 + 3 − 5 डिवाइडेड बाय 1 + 3 − 5, तो आप देखो यहाँ पे ये चीज सही आई मेरी, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, -5 में -5, तो आपने देखा 1/1 आ गया, तो ऑप्शन डी, ठीक है। आप अगर इसको दूसरे तरीके से के की टर्म में लिखना चाहते हैं तब भी आप कर सकते थे, कैसे, जहां जहां पे ए सी और ई होता वहां पे मैं के लिख देता, और बाकी जहां जहां पे बी डी एफ होते वहां पे मैं 1 लिख देता, तब भी बात बन जाती। देखो इसमें क्या है, इसमें ना आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आराम से देखते ही मार्क कर पाओगे,
कि किस तरीके से, मैंने इसीलिए कुछ क्लासेस थ्योरी की ली थी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी, ए है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब ऑफ बी। तो एक चीज हमें छोटी क्लासेस से बताते आ रहे हैं कि अगर कोई भी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो जब वो इनवर्सली का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। ये बहुत यूज होगा इस पूरी क्लास में, ध्यान रखना इस चीज का कि जैसे ही मैंने इक्वल्स टू इनवर्सली को हटा के कांस्टेंट लगाया तो इक्वल्स टू आ गया, इक्वल्स टू लगाया तो फिर कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ पे बी क्यूब लिखा। अब ये मेरी इक्वेशन है, ये गिवन है, आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कि अगर ए थ्री है तो बी टू है, मतलब कि अगर ए, देखो इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, कभी फंसोगे नहीं फिर कांस्टेंट वाले क्वेश्चन में। अगर ए थ्री है तो बी टू है, तो आपने देखा ये टू का क्यूब, तो 8 3 24, के की वैल्यू क्या निकाल दी आपने, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी, 24 निकल गई, ठीक है ना भाई, ये 8 3 24। अब आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, अब कुछ भी पूछेगा मैं तो इक्वेशन में पुट कर दूंगा। अब इसने बोला कि अगर ए 8/9 है, कोई बात नहीं, तो बी की वैल्यू क्या होगी, ए 8/9 है, के की आपने वैल्यू निकाल दी 24, यहाँ पे बी क्यूब है, तो अब देखो ये 8 से कट गया 3, तो बी क्यूब कितना आ गया, 9 × 3, तो या फिर 9 को 3 × 3, तो 3 × 3 × 3 इज इक्वल्स टू बी क्यूब, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। कुछ था ही नहीं इसमें, मेन चीज जो आपको देखनी थी वो ये देखनी थी कि कांस्टेंट आपने जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट का साइन आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एक सेकेंड आप पढ़िए, मैं पानी पीता हूँ जी। अब क्या दे रखा है कि 4600 रुपीज है, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया ए बी सी डी में इस तरीके से, देखो चार वेरिएबल है ए बी सी डी, तो अगर मुझे इन सबका रेशियो चाहिए होगा तभी तो मैं उसका 4600 को प्रॉपर डिवाइड कर पाऊंगा, तो आगे का क्वेश्चन जो भी मुझे दे रखा है उससे मुझे रेशियो मिल जाएगा, है ना, क्लियर है। तो बस मैंने ए बी सी डी लिखा, अब मेरे को क्या गिवन है वो मैं देखता हूँ, 1/1 मैं लिखूंगा, फिर मैं जिस तरीके से मैंने आप लोगों को मर्जिंग सिखाई हुई है उस तरीके से मर्ज करके ए बी सी डी का आउटपुट निकाल दूंगा, रेशियो का, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि बी को, बी गेट्स 20% लेस देन ए, तो 20% लेस देन ए का मतलब क्या है, मैंने परसेंटेज में आपको बताया कि बी को 4 मिलेंगे अगर ए को 5 मिला, बात समझ रहे हो, ये 4 है, बी को 4 मिलेंगे मतलब 20% कम मिला, क्योंकि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, तो अगर 5 ए को मिले तो बी को 1 कम मिलेगा, मतलब बी को 4 मिलेंगे। तो पहली इक्वेशन ने यहां तक आपको मिल गया कि ये है। अब दूसरी चीज क्या कह रही है, बी गेट्स 1/3 लेस देन सी, तो 1/3 लेस देन मतलब क्या है कि बी, अगर सी को 3 मिला है तो इसका 1/3 निकालोगे, 3 का 1/3 निकालोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 कम मिलेगा बी को, तो मतलब इस पे 2 मिलेगा, ये दूसरी इक्वेशन कह रही है, यहां तक आपने दूसरी इक्वेशन कर ली। तीसरी इक्वेशन, बट डी गेट्स 1/3 मोर देन सी, तो डी को 1/3 मोर मिलेंगे, तो यहां पे सी को 3 ही मिले, इसको जीरो सर्कल के बजाय मैं ट्रायंगल में डालता हूं तीसरी इक्वेशन को, तो इसको 3 मिले तो डी वाले को कितने मिलेंगे, 1 ज्यादा मोर, तो आपने देखा यहां पे 3/4 मिल गया, क्लियर। अब बस अब मुझे इन सबको मर्ज करना है, तो मर्जिंग का मैंने आपको तरीका बताया है कि ज्यादा सोचो ही मत, यहां पे 4 है इधर भी 4 लिख दो, इधर भी 4 लिख दो, ये 3 है इधर भी 3, ये 2 है इधर 2, यहां पे 3 है तो ये भी 3 ये भी 3। अब कोशिश करो कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा, देखो अगर मैं ध्यान से देखो तो 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, कटा, ठीक है। अब 2 की बात करो, 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है, इधर भी कट गया और इधर भी कट गया, तो अब मर्ज करके क्या आया आउटपुट, यहां पे 5 का 5, यहां पे 4, ये 6, 3 2 6 है ना,
और यहाँ पे 8। तो आपने देखा कि 5:4:6:8, तो अगर आप सबको प्लस करते हो तो 10 यहाँ पे कितना आया, 6+4 10 और 15 और 8, 15 और 8 23, तो 23 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू आपको दे रखी है 4600। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। अब आपसे कुछ भी पूछे सम ऑफ बी और सी, तो बी और सी मतलब कि 6 और 4 और 6 मतलब 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 × 200 यानी कि 2000 आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, मैंने आपको बहुत ओपन करके बताया है ताकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आप लैंग्वेज में फंसो ना और आपकी एक्यूरेसी 100% रहे। नेक्स्ट, इफ 3 नंबर ठीक है आर इन रेशो 1:2:3, 3 नंबर है 1:2:3 में एंड हाफ ऑफ द सम इज 18, देन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर इज। अब देखो वो बोल क्या रहा है, कहने का मतलब है कि अगर 3 नंबर है, 3 संख्या है जिनका अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है और योग का आधा राशि मतलब इनका जो सम कर रहे हो आप, सम करने के लिए कितना आ रहा है, 3+2+1 6, लेकिन इसका हाफ यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 18, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो एक्चुअल नंबर क्या हो गए, ये 6 हो गया, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, ये 12 हो गया, ये 18 हो गया। अब इसने बोला है देन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो रेशियो ऑफ द स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 36, इसका स्क्वायर करो 144 और इसका स्क्वायर करो 324। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप इतना सा देखते ही देख लेते कि 36 तो एक ही में यहीं पे आ जाता, और इस टाइप के क्वेश्चन आप स्क्रीन पे ही कर लेते हो बिना पेन पेपर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, a³ + b³ / a³ - b³ = 133/117। देखो दो मेथड है, पहला मेथड के आप नंबर्स में बहुत अच्छे हो, नंबर्स में मतलब देखते ही आपको, और SSC के अगर आप पुराने खिलाड़ी हो तो आप देखते ही पता लगा लोगे कि 125+8 लिखा है और ये 125-8 लिखा है, तो a³ 125 है तो a आपका 5 आ गया और b आपका 2 आ गया। ठीक है, तो 5:2 आपका आंसर था। दूसरा तरीका है आप प्रॉपर मेथड अगर बात करो, प्रॉपर मेथड क्या कह रहा है, प्रॉपर मेथड भी बहुत शानदार है और वो आना ही चाहिए, मेथड 2। ठीक है, कंपोनेंट और डिविडेंड लो, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो, a+b a-b, तो आपने देखा ये a³ / b³ है और ये a+b a-b मतलब ये 250/16 है। देखो कंपोनेंट और डिविडेंड आपको बताया था ना कि a बाय बी लिखा है और यहाँ पे सी बाय डी लिखा है, तो a+b a-b = c+d c-d है ना, तो ऐसे आपने किया, तो इसको अगर मैं और काटूं तो ये 125 यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो बस आपने देख लिया कि a की वैल्यू 5 आ गई यहाँ से और a₃ b अगर हम करेंगे तो यहाँ से 5:2 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर मेथड था, ये इसलिए है ताकि आपको अगर पेपर में एकदम से स्ट्राइक नहीं करता कि 133 ऐसे ब्रेक होगा, तो प्रॉपर मेथड तो आना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि टाइम दोनों से लगभग बराबर ही लगेगा, किसी से ज़्यादा किसी से कम नहीं, मेथड वही अच्छा होता है जिससे आप जो आपको पेपर में स्ट्राइक कर जाए, ऐसा कोई जादू वाले मेथड्स वगैरह कुछ नहीं होते, आपको मेथड्स अच्छे अच्छे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है लेकिन जब तक उन पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो वेस्टेज है। देखिए मर्ज कराने को बोल रहा है a₃ b₃ c₃ d, ए बी दे रखा है 2 3, बी सी दे रखा है 4 5, सी डी दे रखा है 7 4, आपने क्या करा इधर भी 3 इधर भी 3, यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 यहाँ पे 7 यहाँ पे भी 7। ठीक है,
अब देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये 8 और 7 56, तो ये तो आ नहीं सकता। दूसरा देख लो, ये 12 7 84, तो ऑप्शन बी। आगे देख लो, अगर आप प्रॉपर भी करना चाहते हो तो वही मल्टीप्लाई करना है ना तीनों को, तो ये 105 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा सारी इसमें। ये भी रेशो मर्जिंग पे क्वेश्चन था। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसकी एप्लीकेशन टाइम एंड वर्क में आपसे पूछी जाती है। क्या है कि अगर a बाय बी अपॉन सी की वैल्यू दे रखी है 11/4, बी बाय सी अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है 26/9, तो आपसे वो पूछ रहा है कि ए बी सी मतलब इंडिविजुअल निकाल के फिर वो कुछ भी करवाए वो बात की बात है, आपसे ए रेशो बी रेशो सी पूछना चाह रहा है। मुझे एक चीज बताइए कि ए बी सी तीन वेरिएबल है, क्लियर है? तो यार यहाँ पे भी तीन वेरिएबल है, यहाँ पे भी तीन वेरिएबल है, 11 और 4, यहाँ पे सम 15 आ रहा है, यहाँ पे सम कितना आ रहा है 35, ऐसा क्यों? जब वेरिएबल आपके बराबर है तो सम आपका बराबर आना चाहिए। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे रेशो है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर नंबर्स पे काम करेंगे। तो आप देखो 15 और 35 का अगर आप एलसीएम लेते हो, कैसे करोगे, 5 3 7 5, तो आपने देखा 5 5 तो यहाँ पे आ ही रहा है, 7 भी लिख दो, 3 भी लिख दो, तो 105 आपका एलसीएम आ गया। तो अगर 15 को 105 बनाना चाहता हूँ तो मैं ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना आ गया 77/28। 35 को 105 बनाना चाहते हो तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया 78/27, बस खत्म। अब C की वैल्यू 28 है, B की वैल्यू निकालते हैं, A की वैल्यू 27 है, तो अब आप देखो अगर C की वैल्यू 28 है, ठीक है, और आपसे पूछा है और यहाँ पे मेरे को A की वैल्यू आपने निकाल दी 27, A और C दोनों निकाल दिए, अब आपसे B नहीं निकला मेरे से, तो मैं भाई बी प्लस सी मेरे को दे रखा है यहाँ पे कितना है 78, तो यार सी मेरा 28 है तो 78 में से 28 गए तो यहाँ पे 50, तीनों वैल्यू निकल गई। अब आपसे कुछ भी पूछे मैं तो निकाल दूंगा, इन्होंने पूछा क्या है सी प्लस ए बाय बी, तो सी 28, ए 27 और बी 50, तो आपने इसको प्लस किया 25 और 25, मान लेता हूँ यहाँ पे 3 की डेविएशन है, यहाँ पे 2 की डेविएशन है, तो 55 हो गए, 3 और 2 5 55, 55/50, और यहाँ पे आपने देखा ये 11 है और यहाँ पे 10 है, तो 11/10 ऑप्शन बी आंसर है। इसमें जो कैच था वो ये था कि अगर आपके पास वेरिएबल ए बी सी दे रखा है लेफ्ट में भी राइट में भी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका सम आपको बराबर करना है, तभी आप ए बी सी इंडिविजुअली निकाल पाओगे, वरना आप नहीं निकाल पाओगे। और इसी तरीके से टाइम एंड वर्क में होता है, उसमें एफिशिएंसी दे रखी होती है कि ए और बी की मिला के इतनी एफिशिएंसी है और सी की इतनी, या फिर डे की टर्म में दे देंगे तो भी बात वही है, घुमा के मतलब रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा बस। और लेकिन आपको ये रेशियो मर्जिंग आना चाहिए, ये भी एक रेशियो मर्जिंग की टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस ए रेशियो x माइनस c की वैल्यू दे रखी है 11, 9 और 5, और अलग से क्या दे रखा है कि x इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है, या फिर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2x दे रखी है। अब देखो एक बात देखो, मुझे क्या निकालना है, a रेशियो b रेशियो c निकालना है, मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों को प्लस कर दिया, तो x 3x, माइनस बाहर ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना आया 25, 3x माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज 25, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो मेरे को गिवन है सेकंड इक्वेशन से 2x, तो 3x माइनस 2x यानी कि x की वैल्यू 25 दे रखी है। अब अगर अरे 3x माइनस 2x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 25,
अब अगर आपको एक्स की वैल्यू 25 दे रखी है तो आप एबीसी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? कि अगर ये 25 है उसमें से आपको 11 लाना है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए 14 होगा तभी 11 आएगा। देखो एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 11 है, आपने ये निकाल दिया 25 है, तो या तो आप इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो तब भी ए 14 आ जाएगा, या फिर ऐसे ही देख लो स्क्रीन पे कि 14 होगा तभी आपका 11 आएगा। सिमिलरली 25 में से अगर मैं क्या माइनस करूं कि 9 आए तो आपको 16 करना पड़ेगा, तो बी की वैल्यू 16 आ गई, तो ये 14 है ये 16 है। वैसे तो आपको यहीं से दिख जाएगा कि 7 आना चाहिए 14 का, यहाँ पे मल्टीपल आगे भी देख लो, यहाँ पे 5 आना चाहिए तो 20 बस, तो ये 7, 8 और 10। देखो ये मेथड तो प्रॉपर मेथड हो गया, बढ़िया मेथड क्या कहेगा? बढ़िया मेथड का मतलब क्या है कि मतलब जिसको सुन के आपके मतलब शरीर के गूस बम्स आ जाए, गूस बम्स समझते हो, रोंटे खड़े हो जाए। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। अब देखो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक ही वेरिएबल है, उसमें से एक बार a माइनस कर रहे हो, एक बार b माइनस कर रहे हो, एक बार c माइनस कर रहे हो, और आपको गिवन क्या क्या दे रखा है इसने? कहाँ गया? हाँ, 11, 9 और 5 ये दे रखा है। मुझे एक बात बताओ, अगर एक वेरिएबल है x में से ही आप अलग अलग तीन चीजें माइनस कर रहे हो, ये 11 आ रहा है, ये 9 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे सब अगर ये 5 आ रहा है तो c की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि आप a की वेरिएबल में से आप 5 लाना चाहते हो तो c की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और यहां पे अगर 11 आ रहा है तो a सबसे छोटा होगा, ए आपका मिनिमम होगा। मेरी बात समझ रहे हो? कि अगर आपने एक्स में से ए माइनस किया, ये मैं थ्योरी वाली चीज बता रहा हूं, और इसको बता बता के काफी लोग काफी कुछ उठा सकते हैं, लेकिन आपको समझा रहा हूं मैं ताकि आपको याद रहे कि हाँ मैंने आपको बताई थी ये चीज सबसे पहले, और आपके बहुत काम आएगी ये, क्योंकि इसको अगर आप समझ गए तो आप एक सेकेंड में आंसर मार कर सकते हो। कैसे? कि भाई अगर एक ही वेरिएबल में से आपने तीन चीजें माइनस करी और यहाँ पे आउटपुट में यहाँ पे सबसे कम वैल्यू आ रही है तो जो माइनस किया वो सबसे ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना एक्स एक्स एक्स। तो अब आप देखो, सी मैक्सिमम चाहता हूँ मैं और ए मिनिमम चाहता हूँ, आपको मिला कि सी मैक्सिमम आना चाहिए और ए मिनिमम। आप ऑप्शन देखो, क्या सी मैक्सिमम है? नहीं, इसमें तो ए मैक्सिमम है, 10 मैक्सिमम है ना। बी वाले में देखो सी मैक्सिमम है, हाँ, लेकिन ए मैक्सिमम है, ए मिनिमम है? नहीं, यहाँ पे तो बी मिनिमम है, तो बी भी कट गया। अब डी में देखो, क्या सी मैक्सिमम है? नहीं, लेकिन अगर आप आंसर में जाओगे जो कि 7:8:10, तो आप देखोगे सी मैक्सिमम है, बिल्कुल है, ए मिनिमम है, बिल्कुल है, खत्म 7:8:10। क्योंकि अगर ये स्ट्राइक नहीं करता प्रॉपर मेथड तो आप कैसे करोगे? तो अब आप ऐसे करोगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखा है इफ a, b, c मतलब a b c ऑल आर नेचुरल नंबर, क्लियर है, एंड x प्लस वाई रेशियो y रेशियो y प्लस z रेशियो z प्लस x इक्वल्स टू 4:8:6 दे रखा है, ठीक है, और x प्लस y प्लस z अपॉन y की वैल्यू पूछ रहा है। देखो मैं जैसी मैंने ये चीज देखी, मुझे लगा कि यार इन सबको अगर मैं प्लस ही कर दूंगा तो फिर से आप देखो 2x प्लस y प्लस z की वैल्यू कितनी आ गई, इसको भी प्लस करोगे आप तो यहाँ पे कितना आ गया 18, तो x प्लस y प्लस z की वैल्यू कितनी आ गई 9, यूनिट्स में चल रहा है, ओके ये यूनिट्स में चल रहा है। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 9 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिख दिया आपने जो निकालना है, लेकिन मुझे y चाहिए, तो इसमें से अगर मैं x प्लस जेड माइनस कर दूँ, देखो x प्लस वाई प्लस जेड आपको 9 दे रखा है, और x प्लस जेड यानी कि
थर्ड वाली यानी कि 6 माइनस कर देता हूँ मैं, तो 9 में से 6 गया 3, तो ये y की वैल्यू आ गई, तो ये 3 कर दिया, ये 3:1 आंसर है। कुछ था नहीं इसमें, आपने सिर्फ मैनिपुलेट किया चीज़ों को और आपने आंसर निकाल दिया कि मेरे को जब ये दे रखा है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई भी थी, क्लास थर्ड में है या फिर क्लास सिक्स में है, देखो इस चीज़ को मान के चलो, अगर आप प्रॉपर अगर किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो ना, प्रॉपर फॉलो करो, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा अपने आप से, और तभी आपको पता चलेगा कि कौन कितने अच्छे तरीके से चीज़ें आपको समझा रहा है और कौन जेन्युइनली आपकी हेल्प कर रहा है। ऐसे मत हवा में मत जाया करो, ठीक है, जो र्यूमर फैले हुए होते हैं उसमें मत जाइए। नेक्स्ट, ए रेशो बी दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है, सी रेशो डी दे रखा है, और डी रेशो ई रेशो एफ, काफ़ी सारे वेरिएबल हैं, तो काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है मुझे, और ए रेशो बी रेशो सी अपॉन डी रेशो ई रेशो एफ बना सकता है। तो मैंने तो मर्जिंग का सीधा सीधा मेथड बताया आपको कि ए बी सी डी ई और एफ, पहले क्या दे रखा है, वन और थ्री, वन और थ्री ए रेशो बी, तो थ्री 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 लिख दिया। दूसरे में क्या दे रखा है, बी और सी को टू और वन, तो टू और वन, तो वन 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 यहाँ पे टू। तीसरे में क्या दे रखा है, सी और डी, वन और टू, तो वन और टू, तो ये टू टू, ये वन वन। उसके बाद दे रखा है ई और एफ, वन और फोर, तो यहाँ पे वन वन ई और एफ से इधर है ना, हाँ वन 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 वन, एक मिस हो गया शायद, हाँ डी और ई वाला थ्री रेशो वन, तो ये थ्री और ई वन है, तो ये वन वन और यहाँ पे थ्री थ्री थ्री। बस इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले देखो सब में थ्री, किसी में सब में थ्री आ रहा है, तो आप देखोगे हाँ इसमें भी थ्री है, 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 और कुछ आ रहा है किसी में, चेक कीजिए आप कि क्या कुछ और चीज़ आ रही है। मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि टू टू बाकियों में टू नहीं नहीं है, तो मैं नहीं काट रहा, ठीक है। अब बस अब आपको क्या चाहिए, ए रेशो बी रेशो सी अपॉन डी रेशो ई रेशो एफ चाहिए। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे टू, तो टू लिख दिया सीधा सीधा, है ना, मतलब ये वन से वन, वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टू ही आएगा पूरा। बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, सिक्स। सी की वैल्यू कितनी आएगी, थ्री। डी की वैल्यू कितनी आएगी, सिक्स। और ई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, टू। और एफ की वैल्यू कितनी आएगी, एट। ठीक है, देखो सिक्स से सिक्स कट गया, टू से टू कट गया, थ्री बाय एट आपका आंसर है, ठीक है। तो ये जो तरीका है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो इतना आपसे हार्ड वर्क नहीं कराते, लेकिन अगर आ भी जाते हैं तो आप उसको भी स्मार्टली बिना किसी एरर के कैसे करते हो, वो मैंने आपको बताया, ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें अगर थोड़ी बहुत मैंने लिखने में गलती कर दी हो तो आप देख लेना, उसको ठीक कर लेना, मेथड आप समझो, मेथड पे ध्यान दो बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू। देखो मेथड आपको बता चुका हूं, जैसे ही प्रोपोर्शन का साइन हटेगा एक कांस्टेंट आ जाएगा के, कुछ भी लिख दो, मैंने के ले रखा है बस। अब ये इक्वेशन मेरे को यूज करनी है, अब क्या दे रखा है, क्यू सेवन है और पी टेन है, तो मतलब ये टेन के और ये सेवन, तो के की वैल्यू कितनी आ गई भाई, सेवेंटी आ गई, कांस्टेंट निकाल लिया आपने, अब मुझे कांस्टेंट मिल गया। अब आप कुछ भी पूछ लो किसी एक वेरिएबल को देख, अब इन्होंने क्या दिया कि आप पी निकालो और क्यू की वैल्यू फाइव है, पी इधर लिख दिया, के की जगह सेवेंटी लिख दिया, क्यू की वैल्यू फाइव, फोर्टीन आंसर है, टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन देनी है ना। नेक्स्ट देखिए अब क्या है, ए रेशो बी दे रखा है, टू रेशो थ्री। मैंने आपको थ्योरी की क्लासेस में बताया था कि जब आपको ऐसे वेरिएबल दे रखे होते हैं और रेशो में दे रखा होता है, तो आप इधर टू के थ्री के लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि वो के कॉमन लेके कट जाता है,
कुछ मैटर नहीं करता, तो मैं ए बी की जगह ए एक्चुअल 2 और 3 यूज कर लूंगा, तो 4a प्लस 3b अपॉन 4a माइनस 3b लिखा हुआ है, तो मैं एक्चुअल में पुट कर दूंगा 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3। तो आपने देखा ये 8 प्लस 9 और 8 माइनस 9 17 डिवाइडेड बाय माइनस 1 यानी कि माइनस 17 आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट इसको पॉज करो और इसको सॉल्व करो। इस वाले क्वेश्चन को क्या क्या दे रखा है, ए प्लस बी और ए प्लस सी इक्वल्स टू 30, बी देख सकते बी प्लस सी और बी प्लस ए इक्वल्स टू 35, सी प्लस ए सी प्लस बी इक्वल्स टू 42। आपसे ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, ठीक है, काफी सारे लोग इसमें डेडलॉक में फंस जाते हैं, उनको लगता है कि बार बार वही घूम फिर के वही चीजें आ रही हैं और इम्पास से क्रिएट हो जाता है, लेकिन आप आराम से निकाल सकते हो इसको। कैसे, मैंने क्या किया, इक्वेशन 1, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे को मिला कि ए प्लस बी यहाँ पे भी है और ए प्लस बी यहाँ पर भी है। अगर ए प्लस बी और बी प्लस ए लिखे, बात तो एक ही है ना, तो आपने देखा कि यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, बी प्लस सी का भी होल स्क्वायर आ रहा है और सी प्लस ए का भी होल स्क्वायर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ 30, 35, 42, मतलब कि 5 6 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं सीधा, 5 6 7 5 और 6 7, तो अगर इसका सबका स्क्वायर ही आ रहा है, तो अगर मैं रूट ले लूँ तो ए प्लस बी बी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए की वैल्यू कितनी आएगी अगर आप दोनों तरफ रूट ले लोगे, एक फाइव ही रहा सिर्फ एक फाइव आएगा, एक सिक्स ही रहा एक सेवन ही रहा। अब ये जो आपने मास्टर इक्वेशन निकाल ली, इसका नाम स्टार दे दिया, अब आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अब मुझे मान लो, हाँ आपको क्या निकालना है, आपने फर्स्ट इक्वेशन जैसे ही आपने 5 × 6 और ये इसको आप ऐसे लिख लो 7 × 5 और यहाँ पे 7 × 6 कैसे भी लिख लो, ठीक है, मैं इसी टर्म में लिखूंगा ताकि वो कट जाए। अब देखो अगर आप स्टार इक्वेशन में 1 पुट करते हो, तो मतलब डिवाइड करते हो, लिख रहा हूँ स्टार को डिवाइड करो 1 से, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी ये कट जाएगा और ए प्लस सी से ए प्लस सी कट जाएगा, तो बी प्लस सी निकालोगे बस, आपने देखा b प्लस सी की वैल्यू कितनी आई 5/6, यहाँ ये भी कट जाएगा तो 7, एक इक्वेशन मिल गई भैया, b प्लस सी मिल गया मुझे, इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया। दूसरी वाली, जब मैंने स्टार को 2 से डिवाइड किया तो b प्लस सी से b प्लस सी कट गया, a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, c प्लस a मतलब c प्लस a मिल गया a प्लस सी, और यहाँ पे 7/7 × 5 है, ये 7 और 5 कट के 6 बचा बस, तो ये 6 आ गया। सिमिलरली इसको मैंने सर्कल में डाल दिया सी प्लस सी, और सिमिलरली अब की बार क्या बचेगा, ए प्लस बी, और ए प्लस बी कैसे बचेगा, जब आप स्टार को किससे डिवाइड करेंगे भाई, थर्ड से, तो जब स्टार को थर्ड से डिवाइड किया तो 7 और 6 यहाँ पे कितना बचा, बचा हुआ 5। तो ये आपने देखा ये 3 इक्वेशन मिल गई। अब मुझसे पूछ रहा है क्या है, वो बोल रहा है कि a प्लस 2b प्लस 3c निकालो, तो आप इन 3 इक्वेशन को यूज करके आपको सब कुछ करना है। तो अब मेरी बात समझिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। क्या चीज़ कि अगर आप देख रहे हो कि अगर आपने इसको b प्लस सी, और देखो ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी है ना, तो अगर आप ए प्लस बी, मैंने क्या करा, ए प्लस बी इधर वाला, मैंने 7 और 6 को जोड़ दिया, मतलब ये सर्कल वाली और इसको, तो मैंने देखा 13 आ गया मेरा, और लेकिन मुझे इनमें से क्या क्या मिला, एक तो ए मिल गया, जो एक ए ही चाहिए था वो तो मिल गया, और सी का एक मिल गया तो 2 सी बच गए,
और यहाँ पे आपने देखा बी सी के भी दो चले गए, मतलब एक सी बचा, बस सिर्फ एक सी बचा। देखो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ वरना काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इसका नाम 4 दे दो, इसका नाम 5 दे दो, इसका नाम 6 दे दो। ठीक है, मैंने 4 और 5 को प्लस किया तो आपने देखा क्या मिला, ए प्लस बी प्लस 2 सी की वैल्यू 13 आ गई। पूछा गया है ए प्लस 2 बी और 3 सी, मतलब इसमें बी प्लस सी और ऐड करवा रहा है, तो बी प्लस सी और ऐड करवाऊंगा तो बी प्लस सी यहाँ पे कहाँ पे, ये रहा 4, इधर भी आपने 7 प्लस किया तो 20 आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने इक्वेशन को मैनिपुलेट किया। मैं बोलूँगा अगर पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर आता है, चांसेस कम होते हैं लेकिन अगर आता है तो पहले आप इसको स्किप करिए, बाद में आके आप सॉल्व कीजिए। टाइम पहले वाले कर, पहले फर्स्ट टाइम करने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो फिर से वही वाला क्वेश्चन। अब इन्होंने कुछ वैल्यू ऐसे दे दी कि ए बाय बी इक्वल्स टू 2:3, और डिवीजन में भी कुछ है, लेकिन एक बात बताओ यहां पे स्क्वायर है, 4a² + 3b, और नीचे 4a - 3b, तो डिग्री सेम, तो 3b² डिग्री तो सेम नहीं है। कैसे डिग्री का मतलब, अगर मैं इसको 2k और ये भी 3k कर देता हूँ तो ऊपर 4 और समथिंग k² में कुछ आएगा, मतलब यहाँ पे 2 भी लगा दोगे 2k² आएगा, और प्लस 3 * 3k डिवाइडेड बाय, यहां पे आप देखोगे 4k, ठीक है, -3 * और 4k मतलब 2k, k की जगह पुट कर दोगे, a की जगह है ना 2k, और यहाँ पे 3 * साफ साफ लिख देता हूँ मैं, एक सेकंड गया और अच्छे से लिख देते हैं। इधर देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका आंसर आपका CND होना चाहिए, देखते ही आप कैसे मार्क कर सकते हो क्योंकि इसमें डिग्री सेम नहीं है ऊपर नीचे। ठीक है, तो आपका इस तरीके से कटेगा ही नहीं। कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको प्रूफ करूं कि क्यों CND आएगा, वो प्रूफ कर रहा हूं कि आपने ए की जगह क्या पुट करा 2k, ठीक है, और बी की जगह 3k, डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे 2k - 3 और यहाँ पे 3k², ये कितना आ गया, 4 16k² 4 4 16k² + 9k डिवाइडेड बाय 8k - 9k² तो यार ये कट रहा है यार। आप रेशियो कैसे निकालोगे ना, तो आप k² कुछ, मतलब अगर ऊपर भी k² होता नीचे भी k² होता, यानी कि डिग्री सेम होती ऊपर नीचे, और यहाँ पे भी अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये के, और अगर मैं ऊपर भी के होता नीचे भी के होता तब भी आप निकाल पाते, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ठीक नहीं है। यू कैन नॉट डिटरमाइन द आंसर, CND इज योर आंसर, इधर डी ऑप्शन आपको मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a:b:c:d दे रखा है, a:b = c:d, मतलब ABCD प्रपोर्शन में है, इसका मतलब यही होता है ना, तो मानिए मतलब आपने ये आपको दे रखा है। अब इन्होंने क्या पूछा, m² a + n² c डिवाइडेड बाय m² b + n² d, ये देखो ये तो ऊपर भी स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो ये तो निकल जाएगा, निकाल सकते हो, आंसर क्या आएगा। देखो मैंने क्या किया, आपने इसको k:1 मान लिया, चाहे आप इसको 1:1 मान लेते तब भी आंसर आ जाता, लेकिन आप k:1 मान लो। ठीक है, अब ए की जगह आप अगर के पुट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे के पुट कर दिया, सी की जगह भी के पुट करते हो, यहाँ पे भी के पुट कर दिया, और बी डी की जगह 1 1, तो के बाहर ले लिया, m² + n² डिवाइडेड बाय नीचे क्या है m² + n², ये पूरा कट गया, आंसर क्या आ गया के। तो के है क्या, कि a:b है, या तो ऑप्शन में ये हो या ऑप्शन में ये हो। अब आप देखो a:b आ रहा है ऑप्शन में है, लेकिन b:ये नहीं हो सकता, d:b नहीं हो सकता, d:c नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। देखो ये चीजें समझ लो आप अच्छे से, बार बार देखो, जब तक आपको ये चीजें समझ नहीं आती आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और जो कंपाइलेशन, जो भास्कर जी अगर ये देख रहे हैं, और जो इन लोगों ने भी PDF
भेजी है जो मुझे, ये समझ गए होंगे आप लोग कंपाइलेशन है कहाँ की है वो भी आपको पता है। तो काफ़ी सारी गलतियां हैं उसमें, काफ़ी सारी गलतियां हैं, काफ़ी गलत क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, और कुछ गलत क्वेश्चन है जो मैं देख लूंगा बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज गिवन बाय 3:2। देखो एक इनकम होती है, ठीक है, इनकम किस किस चीज से मिलकर बनती है, अगर आपने कुछ खर्चा किया और आपने कुछ बचत की, अब चाहे आप इसको I-E=Saving ऐसे लिख दो, बात वही है, सब कुछ देखो करने का तरीका है जैसे मर्जी चाहो, लेकिन इनकम आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि जो इनकम है उसमें क्या क्या चीज होती है आपकी सेविंग, चाहे सेविंग जीरो हो, लेकिन इसका मतलब क्या है अगर सेविंग जीरो हो तो एक्सपेंडिचर क्या है, आपने सारा खर्च कर दिया, जितनी इनकम थी आपने 100 रुपए कमाए, 100 के 100 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास बचत क्या होगी, सेविंग क्या होगी, जीरो। और अगर आपने मान लो 10 रुपए की सेविंग करी 100 में से, तो 100 रुपए में से 10 रुपए की सेविंग करी तो एक्सपेंडिचर कितना है, 90। क्लियर है। अब आपको गिवन क्या है वो लिख देते हैं, ये बोल रहा है ये 3:2 में है, कोई बात नहीं, इसने बोला कि इनकम, देखो अगर ये 3:2 में है तो ये मेरी 5 होनी चाहिए, यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं एक्चुअल वैल्यू में काम ही नहीं करूंगा, अगर एक्सपेंडिचर 3 यूनिट है, देखो बात को समझो, सोर्स जो है, चाहे अगर मैं इनकम लिख रहा हूं इसी में तो एक्सपेंडिचर और सेविंग हो रही है, तो ये 3 यूनिट है तो 2 यूनिट ये है, तो ये बची हुई 5 ही तो होगी। क्लियर है। अब इनकम को अगर 15% बढ़ा दिया, 15% बढ़ा दिया तो ये कितनी हो जाएगी, 15 × 5 = 75, 5.75। और अगर सेविंग को भी 6% बढ़ा दिया, 6% बढ़ा दिया, देखो तो परसेंटेज मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुका हूँ, 2.1, तो इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो यार अगर 5.75 में से 2.12 माइनस करोगे तो ये 3.63। तो इनकम 3 से 3.63 बढ़ गई, मतलब कि 0.63 बढ़ गई, कितने पे, 3 पे। तो बस परसेंटेज निकाल लो आप, क्या आएगा, 2 जीरो से पूरा कट गया, 21, 21% इज आंसर, 21% एक्सपेंडिचर आपने बढ़ाया। बहुत सारे तरीके हैं, काफी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, आपको जो तरीका बेस्ट लगता है आप उसी तरीके से करिए, अगर आपको बिल्कुल नया लग रहा है अगर ये तरीका तो आप ऐसे कीजिए, अगर कुछ लर्निंग मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो क्वेश्चन को समझ के आप आगे बढ़ जाइए और अपने मेथड से सॉल्व करिए, ठीक है, बट थोड़ा जल्दी होना चाहिए, टाइम वेस्ट वाला मेथड नहीं होना चाहिए, चाहे आप एक्स वाई यूज कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी वाला मेथड। नेक्स्ट क्या दे रखा, P/Q = R/S = T/U = 5/2, ठीक है, और निकालना क्या, देखो फिर से समझो, यहाँ पे ऑप्शन ऐसे देने चाहिए थे लेकिन ये कंपाइलेशन है, काफी चीजें मैं बता नहीं पा रहा इसमें, लेकिन मैं समझाऊंगा। देखो ये स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है यू कैन डिटरमाइन द आंसर, ऐसा नहीं है कि आप आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर P/Q R/S T/U = 5/2 दे रखा है तो आप अगर K मानोगे तो K स्क्वायर दो सब में से बाहर आ जाएगा, वो भी कर देगा ये भी कर देगा, तो आप एक्चुअल क्या करो, 5K 2K की जगह 5 और 2 पुट कर दो, ठीक है, तो आप देखिए अगर मैं इसमें से पूरा P² यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये P² है, R² है, ये कितना है, T² है, आपको P की जगह 5 फुट करना है ना, और यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो सब में अगर आपने स्क्वायर लेना है, मतलब 25 तो कॉमन आ गया, मतलब 5 का स्क्वायर, P का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कॉमन आ गया, अब अंदर क्या बचा, 2 + 3 + 4 = 9 डिवाइडेड बाय, सिमिलरली नीचे से क्या कॉमन आएगा, Q² यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और अंदर क्या बचा, 2 + 3 = 5 और 4 = 9, तो बस 9 से 9 कट गया, 25/4 आंसर है, बहुत जल्दी निकाल लिया आपने। नेक्स्ट देखिए गलत क्वेश्चन बना रखा है, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होना चाहिए, कैसे, पहली बात तो ये मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे, क्या ये यहाँ पे बी नहीं आना चाहिए था, ठीक
है, एक्स रेशो वाई दे रखा, चलो कोई बात नहीं जो भी है। अब एक्स रेशो वाई की वैल्यू दे रखी है 3:1, ठीक है। अब ऊपर आप देखो एक चीज, ये मेरा क्यूब क्यूब स्क्वायर और 3, ये भी डिग्री 3 हो गई, ये स्क्वायर और 3, ये भी डिग्री 3 हो गई। नीचे देखो ये क्यूब 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 क्यूब, यार ये कॉन्स्टेंट ऐड कर रहे हो आप, ऐसे कैसे कर सकते हो आप अगर रेशियो में कर रहे हो, और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू आपको दे ही नहीं रखी। एक्स और वाई अगर मुझे 3:1 दे रखा है, ठीक है, मैंने मान लिया ये के और के है, ठीक है, ऊपर सब कुछ क्यूब की फॉर्म में, के क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा, नीचे भी आप मान लो कि के क्यूब की फॉर्म में कुछ आपका ही आएगा, प्लस में 21 आ गया, क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे? 21 इज एक्चुअल वैल्यू, तो ये निकलेगा ही नहीं आंसर। आप कुछ और अगर आप 3 और 1 पुट करके आंसर निकाल रहे हो तो हो सकता है इनमें से ऑप्शन मैच हो जाए, लेकिन वो ये है ना कि थोड़ी अधूरी नॉलेज वालों ने क्वेश्चन बनाया है अगर, वो गलत बन गया है, ठीक है, गलत है मतलब कि ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा आपको मार्क क्या करना है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी आपको मार्क करना है, क्लियर है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन थे ऐसे, एक और होना चाहिए, हाँ सेम लॉजिक है इसमें, ऊपर वाले में भी एक वेरिएबल है। देखो अब 4:5 दे रखा है, तो 4k 5k ले लिया आपने, यहाँ पे k स्क्वायर है, ये भी k स्क्वायर समथिंग, ये भी k स्क्वायर, ठीक है, तो k स्क्वायर मान लो कुछ भी मैनिपुलेट करके k स्क्वायर बचा, प्लस में 1 आ गया, अब नीचे k क्यूब बचा, प्लस में समथिंग आ गया, तो यार ये सॉल्व ही नहीं होगा, आप एग्जैक्ट रेशियो निकाल नहीं सकते, क्लियर है। तो इसका भी आंसर आपको सी एंड डी मार्क करना है, एम आई क्लियर और नॉट, ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट, अ गोल्ड ब्रोक इनटू 3 parts, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द 3 part इज 3:4:5, द प्राइस ऑफ द गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर वेट, इफ देर इज अ लॉस ऑफ दिस मच मनी आफ्टर ब्रेकिंग गोल्ड देन व्हाट वाज द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ द गोल्ड। एक सोना है जो 3 हिस्से में टूट गया, इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात दिस 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 है, सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपित है, जो भी है प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यदि ये सोना टूटने पर इतने का नुकसान हुआ, सोने की मूल कीमत क्या थी? 3:4:5, कहने का मतलब क्या है कि जो 3:4:5 है ये कौन से पार्ट में से टूटा है, 3 और 4 और 5 को प्लस करोगे तो 12, मतलब एक 12 यूनिट का सोना था वो टूट गया 3:4:5 में, और जो सोने का प्राइस है वो डायरेक्टली प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके जो आपका वेट है उसके स्क्वायर के, मतलब अगर 12 है इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा, मतलब जो अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो 12 के स्क्वायर की बात है तो 144 ये आना था, बट जब ब्रेक हुआ तो ये 3 के स्क्वायर यानी कि 9 में टूटेगा, ये 16 में, ये 25, तो आप प्लस करो इन सबको तो 50, तो नुकसान हो गया, पहले 144 यूनिट का था अब 50 यूनिट का बिक रहा है टूटने पे, क्योंकि जो प्राइस था ना वो जितनी उसकी यूनिट थी उसके स्क्वायर के बराबर था, क्लियर है। तो अब देखिए यहां पे अगर मैं माइनस करूंगा कितना आएगा मेरा 94, तो लॉस एक्चुअल में 94 का नहीं दे रखा आपको, लॉस दे रखा है 2350, मतलब 94 यूनिट की वैल्यू 2350 दे रखी है, क्लियर है। तो अब आप देखो ये मैं इसको काटूंगा अगर, तो ये 2 से तो ज्यादा है, तो मैं 2.5 पे चेक कर लूंगा, अगर 94 को आप 5/2 से करते हो, इसको काटो 5/2 मतलब 2.5, 47 3 5 अगर आप करते हो तो 7 5 35, 4 5 200, तो बिल्कुल आ गया 2.5, यानी कि 2.5, और अगर मैं बात करूं इंटू 100 यानी कि 250 टाइम्स, तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 250 टाइम्स है तो शुरुआत में कितना प्राइस था 144 यूनिट, तो आंसर आ गया 144 इंटू 250, और आप कैसे कर सकते हो इसको 250 को, मैंने बता रखा ना वन, इसको 250 को आप चाहो तो 1000/4 कर लो,
इसको आप काट लो, 4 3s, ये 6s, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक से काटा या नहीं काटा? 4 3s 12, 24 36, ठीक है, 36,000 इसका आंसर है। क्लियर है? ओके, अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मार्बल ब्रोक इनटू 5 equal parts, द प्राइस ऑफ मार्बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्यूबिक वेट। अब क्या है कि जो मार्बल का प्राइस है वो क्यूबिक वेट के, जैसे पिछली बार क्या था उसके स्क्वायर के, यहाँ पे देखा था आपने कि 12 का अगर मैंने स्क्वायर किया था तो उसके बराबर था, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप प्राइस की बात कर रहे हो तो वो क्यूब के, मतलब आपको क्यूब निकालना है, वेट जो है उसका क्यूब निकालना है, ओके। और इफ देयर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ब्रेकिंग, या देखो जब भी कोई चीज टूटेगी तो लॉस ही होगा ना। देखो कैसे, अभी बताता हूँ, तो बताना है, देन फाइंड द लॉस ऑफ प्रॉफिट परसेंट आफ्टर ब्रेकिंग मार्बल। देखो स्पेलिंग गलत वलत है वो इग्नोर करो, हिंदी में पढ़ता हूँ। एक मार्बल 5 बराबर हिस्सों में टूट जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है बराबर हिस्सों में। मार्बल की कीमत इसके वजन के घन के अनुक्रमानुपाति है, क्रमानुपात होना चाहिए, पता नहीं चल रहा होगी। यदि मार्बल के टूटने के बाद लाभ या हानि होती है तो वास्तविक कीमत में हुए लाभ या हानि का परसेंटेज ज्ञात करो। आप एक चीज देखो, 5 equal parts में ब्रेक हुआ तो मैंने मान लिया कि वो पहले 5 यूनिट था, फिर वो 1, 1, 1, 1 और 1 में ब्रेक हो गया। तो जब 5 यूनिट था तो उसका प्राइस कितना होगा, वेट के क्यूब ले लेना है, 125 के क्यूब के मतलब 125। लेकिन जब वो 5 में टूटा तो ये भी 1 क्यूब 1 क्यूब 1 क्यूब 1 क्यूब 1 क्यूब, यानी कि 5 125 से 5 रुपए का हो गया। वो कितना ज्यादा लॉस हुआ, 120 का लॉस हुआ, कितने पे, 125 पे। निकाल दो अब आप, 4 5 5 2 4 और 96% का लॉस हुआ, खत्म क्वेश्चन, कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन सेव्स अ सर्टेन पोर्शन ऑफ हिज इनकम ड्यूरिंग अ ईयर, सर्टेन पोर्शन ऑफ अ इनकम ड्यूरिंग अ ईयर एंड स्पेंड्स द रिमेनिंग पोर्शन, और बचे हुए को खर्च कर देता है। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 45%, अच्छा जी, एंड हिज सेविंग इंक्रीजेस बाय 75%। अगले साल, मैं अभी हिंदी में पढ़ दूंगा, इफ हिज टोटल एक्सपेंडिचर इन द 2 ईयर इज डबल हिज एक्सपेंडिचर इन द फर्स्ट ईयर, देन व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम इन फर्स्ट ईयर ही सेव। देखो चक्कर क्या है, इसने ना पहले वाले में बता नहीं रखा, उसने बोला कुछ सेव करे, तो आप लेट कर लो, ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है, माइनस सेविंग इक्वल्स टू इनकम, जैसे मर्जी चाहे आप ऐसे लिखना चाहो। आपने 100 रुपए मान लिए कुछ आपने सेव किए, तो बचे कितने, 100 माइनस एक्स, खर्चा कितना हुआ, 100 माइनस एक्स। एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ, एक आदमी अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचाकर शेष खर्च कर देता है, अगले साल उसकी आमदनी और बचत में क्रमशः 45% एंड 75% का इजाफा होता है। अगर दोनों साल का खर्च मिलाकर पहले साल के खर्च का 2 गुना हो तो बताइए कि पहले साल उसने अपनी आमदनी का कितना फीसदी हिस्सा बचाया। अभी क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, पहले मैं बताता हूँ नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, ये 145 बढ़ गया और ये भी 75% बढ़ गया, तो पहले 1 यूनिट था तो ये 1.75x हो गया, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर इसमें कितना बचेगा, 145 माइनस 1.75x, ठीक है ना, ये आपने निकाला पहली बात, बाकी सब गिवन था। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं, इसमें बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसने क्या बोला कि जो 2 साल में दो खर्चा हुआ था, दोनों सालों में, पहले में ये हुआ दूसरे में ये हुआ, तो 2 साल का जो खर्चा था
2 ईयर्स का जो खर्चा था एक्सपेंडिचर, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट वाले के खर्चे को मतलब कि डबल कर देता हूँ उसके बराबर है, तो इसको पुट करो, क्या कहना चाह रहा हूँ, 2 साल का खर्चा मतलब 100 प्लस ये प्लस 145, 1.75x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वाले का 100 माइनस x। अब आप देखिए ये 200 हो जाएगा एट माइनस 2x, x और यहाँ पे माइनस 2.75x, तो आप देखो यहाँ पे 245 और यहाँ पे 200, तो सीधा सीधा देख लो ये 245 और ये 200, मतलब 45 यहाँ बचा, इक्वल्स टू यहाँ पे 1 और 1, 2 से 2 कट गया 0.75, तो x उधर चला जाएगा, तो x इधर 0.75 इधर, ठीक है, तो आप देखो 0.75 को आप ऐसे लिख दो, चाहे आप 3/4 और यहाँ पे 100, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने देखा इसको आपने कट किया, कैसे कट करोगे, 100% है ना ये, तो 3 1 3 5 15 4 आपका 60% इज योर आंसर, 60% खत्म, क्लियर है, ठीक है। मैंने x की वैल्यू निकाली तो मैंने 100 में ही ले ली थी ना, तो इसलिए वो यहाँ पे परसेंटेज ही आ गई, क्योंकि जो मेरा आया मान लो यहाँ पे, तो फिर मैंने परसेंटेज में निकाली, तो इस वाले 100 की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, आप वैसे ही देख लो भैया इतने में इतने का हो गया, 100 लिया था ना तो इतना आपने सीधा सीधा निकाल लिया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इररिलेवेंट है, ठीक है, कराना पीपीटी में डाल दिया, आप लोगों के डाउट्स हैं आपको करना है तो फिर कराना तो पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। दिस ईयर रमेश विल सेव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हिज इनकम, ये जीमेट वगैरह के क्वेश्चन है, ठीक है। This year Ramesh will save a certain amount of his income and will spend the rest. ठीक है, कुछ खर्च करेगा और बाकी बचा लेगा। Next year Ramesh will save no income, कुछ नहीं बचाएगा, but for each rupees that he saves this year, he will have r plus 1 rupees available to spend. ठीक है, जितने साल बचाएगा उसके पास कितने बचेंगे, r plus 1 rupees खर्च करने के लिए बचेंगे। इन टर्म्स ऑफ आर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज इनकम, मतलब फ्रैक्शन निकलवा रहा है आर के टर्म में, आगे बात पढ़ते हैं, शुड रमेश सेव दिस ईयर, कितने सेव करेगा दिस ईयर, सो दैट नेक्स्ट ईयर द अवेलेबल अमाउंट टू स्पेंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ, ये जो लाइन है ना, ये विल बी इक्वल्स टू हाफ द अमाउंट दैट ही स्पेंड दिस ईयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनेगी। आगे चलते हैं, पहले क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझने में ही काफी टाइम लग जाएगा आप लोगों को। इस साल रमेश अपनी आय का एक निश्चित राशि बचाएगा और बाकी खर्च करेगा, अगले वर्ष राम के पास कोई आय नहीं होगा, लेकिन इस वर्ष प्रत्येक बचाए हुए रुपए पर उसके पास आर प्लस वन खर्च करने के लिए होंगे। समझ में आ गई बात, आर के संदर्भ में रमेश इस वर्ष अपनी आय का कितना अंश फ्रैक्शन बचाएगा ताकि अगले वर्ष खर्च करने के लिए उपलब्ध राशि इस साल की खर्च की गई में से हाफ है। अब आप एक चीज देखिए, जो मैंने फ्रैक्शन निकालना है ना, मतलब एफ जो आंसर निकालना है, मैंने उसको एफ मान लिया फ्रैक्शन, ठीक है, और आई आपकी इनकम है, क्लियर है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस साल अमाउंट कितनी वो स्पेंड करेगा, है ना, अमाउंट स्पेंड दिस ईयर। तो अगर आप सीधा सीधा एक चीज समझो कि अगर मैं ये फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ये फ्रैक्शन इसने बोला ना बचे हुए का, तो टोटल फ्रैक्शन आपको पता है किस में से बनता है, पूरी वन यूनिट में से फ्रैक्शन बनता है, तो अगर उसने एफ खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 1 माइनस एफ, ठीक है, इतना इनकम का इतना इस साल खर्च करेगा वो, 1 माइनस एफ इंटू इनकम, आई लिख दो ना, मैंने आई माना था ना इसको, 1 माइनस एफ इंटू आई, इस साल खर्च करेगा, ठीक है, खर्च करेगा। अब क्वेश्चन की इक्वेशन देखो कि इन द टर्म ऑफ आर फ्रैक्शन ऑफ रमेश सेव दिस ईयर सो दैट द नेक्स्ट ईयर विल बी
नेक्स्ट ईयर अवेलेबल अमाउंट टू स्पेंड विल बी, नेक्स्ट ईयर अवेलेबल अमाउंट टू स्पेंड मतलब कि एक फ्रैक्शन है उस पे, मतलब इनकम का जो फ्रैक्शन है उस पे हर बार उस पे 1+R मिल रहा है। ये तो इसने बोला ही कि जो भी इसके पास देखो यानी कि ना ही सेव दिस ईयर ही विल हैव R+1 rupees अवेलेबल टू स्पेंड, R+1 rupees। तो फ्रैक्शन का जो इनकम का जो, देखो ये इनकम है, इनकम का आपने फ्रैक्शन निकाला, फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि 1/4, 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी। तो जो इनकम है उसका 1 मैंने फ्रैक्शन निकाल लिया क्योंकि मेरे पास ये भी नहीं गिवन, फ्रैक्शन नहीं गिवन ना आपको, तो फ्रैक्शन का आपने इनकम का फ्रैक्शन निकाला और 1/R, 1+R किसके बराबर होगा, जो आपके पास बची थी उसके हाफ के, जो अमाउंट इस साल इसने खर्च की उसके हाफ के। तो 1-F(I/2) ठीक है। अब आई से आई कट गया, मैं इसको दोबारा बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से क्या किया, मैंने देखा पहले क्वेश्चन को, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ कि अगर रमेश कुछ बचाता है अगले साल राम के पास कोई आय नहीं होगी, लेकिन इस वर्ष प्रत्येक बचाए हुए रुपए पर जितने भी उसने पैसे बचाए हैं उस पर R+1 का खर्चा करने के लिए होंगे, उस पर R+1 का खर्चा करने के लिए होंगे। आर के संदर्भ में रमेश अपनी वर्ष आय का कितना अंश बचाएगा ताकि अगले वर्ष खर्च करने के लिए उपलब्ध राशि इस साल खर्च की, इस साल जो खर्च की गई है उसका आधा हो जाए। तो मैंने हाफ कर दिया। अब आप देखो ये कैसे सॉल्व होगा, एफ एफ और ये टू इधर चला जाएगा, तो 2F+2FR=1-F, क्लियर है। और एफ इधर भेज दो तो 3F हो गया, 3F+2FR=1। तो आपको निकालना है क्या है, एफ निकालना है ना फ्रैक्शन, तो 1/3 ये 3F+2R क्योंकि आपने यहाँ से एफ एफ कॉमन ले लिया था, ऐसे एफ कॉमन ले लिया, तो 1+3F+2R, 1+3F+2R, एफ तो मैंने कॉमन ले लिया, एफ नहीं आएगा यहाँ पे इधर, ठीक है 3+2R। तो क्वेश्चन कौन सा तरीका, इक्वेशन 3+2R ये ऑप्शन सी, ठीक है 2R+3 आपने किया तो ये आपका आंसर आ गया। और मैं बोलूंगा SSC में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाला कभी भी, ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने और इसको बहुत ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा आपको जिस तरीके से मैं बताऊंगा। इनकम है A की, होल्ड ऑन, A, B और C, द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए बी सी इतना दे रखा है, ए बी सी स्पेंड कर रहा है इतना अपनी इनकम में से और सेविंग का रेशियो दे रखा है इतना, तो इंडिविजुअल सैलरी कितनी होगी। ए बी सी की आय का कुल योग इतना है, ए बी सी अपनी आय का क्रमशः इतने 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 परसेंट खर्च करता है, यदि इनकी बचत का अनुपात इतना है तो इनकी आय क्या है। देखो रेशियो असली चीजें समझ में आपको मैं सिखाता हूं कि अगर अगर इनकम ए बी सी इस तरीके की बात हो रही है, ए ने अगर 50% स्पेंड कर दिया इनकम में से, 50% स्पेंड कर दिया, ये खर्चा है एक्सपेंडिचर है ये वाली लाइन, ठीक है ना, इसको ऐसे बना लो और बोलो, तो ये बचाएगा कितना, ये 50% ही तो बचाएगा। तो अगर 50% को ये 15 यूनिट से दिखा रहा है तो 100% टोटल इनकम कितनी होगी, 100%, तो 100% मतलब इनकम ए की कितनी होगी, 30 यूनिट, ये लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट देखो, अगर अगर बी ने 65% खर्च कर दिए तो सेव कितने करेगा, 35%, 35% को अगर 21 यूनिट से दिखा रहा है तो 100% को कैसे निकालोगे आप, कितना है 21/35×100 करो इसको, 3×5=20, 60 आ गया, तो ये 60। अब सी की बात करते हैं, अगर सी ने 72% खर्च किया तो बचाया कितना, 28% सेव किया, 28% को 14 यूनिट से दिखा रहा है मतलब आधे, यहां पे 28 है तो यहां पे 14 है, तो यहां पे 100 होगा तो यहां पे 50 हो जाएगा, तो ये 50 बस।
अब आपको पता चल गया कि इंडिविजुअल सैलरी का रेशियो क्या है, 3:0:0:0 से काट दो, 3:6:5, और अगर आप देखो ये कितना आ गया, 6 और 3 14, 14 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 42,000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 3,000, तो यहाँ पे कितना आ गया 9,000, यहाँ पे कितना आ गया 18,000, और यहाँ पे कितना आ गया 15,000, ऑप्शन बी। इसको ध्यान से देख लेना मैंने कैसे किया, इतना मैंने आपको बहुत लेंथी तरीके से समझाया है, मतलब समझाने में टाइम लिया, अदरवाइज आप देखते ही कर सकते थे कि 50% है, बचे हुए 50% की वैल्यू 15 है, तो 100 की कितनी होगी 30, तो आप सीधा यहाँ पे 30 लिखते, ये सीधा लिखते आप 30, 60 और 50, मतलब 3, 6, 5, यानी कि 14 की वैल्यू दे रखी है और इंडिविजुअल की वैल्यू पूछी थी, आप आराम से इसको निकाल सकते थे। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, द एक्सपेंडिचर इन अ होस्टल इज पार्टली वेरिएबल, मतलब जो खर्चा होता है ना, इस वाले क्वेश्चन को आप मार्क कर लो, इसको करने का तरीका बहुत जानदार बताऊंगा मैं, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि मैं देखता हूँ ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बार बार आता है ये क्वेश्चन, बार बार, ठीक है। जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, लिंक है टेलीग्राम। ठीक है, अब क्या है कि इसने बोला कि जो एक्सपेंडिचर है ना, वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ स्टूडेंट के, और रेस्ट बीन का फिक्स अमाउंट, मतलब एक फिक्स अमाउंट है, एक अमाउंट फिक्स है, फिक्स अमाउंट एफ, फिक्स अमाउंट प्लस जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, और उनके ऊपर पर जो खर्चा होता है वो, इससे टोटल खर्चा आता है, मतलब जो एक्सपेंडिचर है, मतलब फिर से बता देता हूँ, हिंदी में नहीं है ये क्वेश्चन, पता नहीं हिंदी में क्यों नहीं डाला, कोई बात नहीं, होगा नहीं शायद। कि अगर आप ये देखो कि जो एक्सपेंडिचर है वो एक फिक्स अमाउंट के प्लस जितने भी स्टूडेंट है, मतलब अगर 100 स्टूडेंट हैं तो उनसे फिक्स अमाउंट लिया, उस पर एक फिक्स अमाउंट खर्च होगा, और 100 इंटू जो इंडिविजुअल खर्चा है, इंडिविजुअल खर्चा मान लो वाई है, तो इतना आपका एक्सपेंडिचर होता है, ये पहली लाइन ने ये बोला। अब आगे, अगर एक्सपेंडिचर, अब देखो, अब असली क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ है इक्वेशन की टर्म में, कि 8400 किस किस चीज से मिलकर बना, एक तो फिक्स अमाउंट होगा एफ प्लस 120 स्टूडेंट है उनसे बना, तो 120 इंटू और एक का खर्चा मान लो एक्स, मैंने मान लिया कि एक्स का पर स्टूडेंट खर्चा है, एक्स इज पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर, बस एक वेरिएबल यूज कर रहा हूं अभी यहां पे, एफ तो फिक्स्ड है, दो दूसरा है, दूसरे वाले में इसने एक बोला ये तरीका है, दूसरा तरीका इसने बोला कि अगर एक्सपेंडिचर हमारा 10,000 हो जाता, 8400 के बजाय 10,000 हो जाता, कब, अगर जो मेरे स्टूडेंट है वो 120 की जगह 150 होते, तो ये तो फिक्स ही रहेगा, यहां पे 150 हो गए, तो ये इतना होता तो इतना। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके पास ये जब दो इक्वेशन आ गई कि भैया एक ने ये बोला दूसरे ने ये बोला, तो सीधी सी बात है 30 स्टूडेंट बढ़ने से कितने रुपए बढ़ गए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 1600 रुपए बढ़ गए, क्योंकि पहले तो फिक्स अमाउंट है और आपका कुछ चीज बढ़ी नहीं, तो 30 से अगर 1600 स्टूडेंट बढ़ गए, 30 से अगर 1600 स्टूडेंट बढ़ गए, तो यहाँ पे जो 120 होंगे उसमें, मतलब 30 से 1600 बढ़ रहे हैं, तो 120 से कितने बढ़ेंगे, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6400 खर्चा आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है 8400, तो इसका मतलब फिक्स अमाउंट कितनी है, 8400 में से 6400 माइनस कर दिया, यानी कि 2000 मेरी फिक्स अमाउंट है, आपने निकाल लिया फिक्स अमाउंट 2000 है बस। अब इन्होंने क्या पूछा है, फिक्स अमाउंट पूछा है नहीं, इन्होंने पूछा है कि 330 स्टूडेंट होंगे तो कितना खर्चा आएगा, कोई बात नहीं निकाल देते 330 स्टूडेंट, तो अगर 330 स्टूडेंट है तो फिक्स अमाउंट तो लेगा ही लेगा, मतलब 2000 तो लेगा ही लेगा, प्लस 330 इंटू जो इंडिविजुअल होगा, अब मैंने इंडिविजुअल ना निकाल के मैंने 30 का निकाल लिया, तो 330 में अगर आप बात करो कि 330 में 30 के कितने ब्लॉक है, 11, तो एक का 11, एक का खर्चा कितना है 1600, तो इस 330 में मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि अगर आप 2000 तो फिक्स अमाउंट रहोगे और बचे हुए 11 इंटू 1600 खत्म,
अब आप देखो यहाँ पे कितना आएगा, 17, इसको काट के लिख दो 17600, और यहाँ पे 00 तो 19600, आंसर बी। इसमें ध्यान से समझना है आपको, और ये कई बार कंफ्यूज करता है बच्चों को, बहुत सारे लोगों को, लेकिन इसमें मैं आपको बोलूंगा कि इसमें 2 या 3 मिनट लगा के इसको एक बार समझ लो और अपनी लाइफ से हटा दो। क्या किया, एक फिक्स अमाउंट होता है और एक डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट है उस पर, और फिर उसको इंडिविजुअली हम चेक करते हैं। और आपको फिर जब भी दो जो दो इक्वेशन हमेशा दे रखी होंगी, आपको देखना है कि कितने स्टूडेंट बढ़ने से कितना में खर्चा हो रहा है। तो मैंने ये पूरा का पूरा मूल जवानी आपको बता दिया कि 30 पे 30 स्टूडेंट्स बढ़ने से 1600 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर 30 के बजाय 120 बढ़ते तो 6400 का आता, लेकिन 8400 दे रखा है, मतलब कि फिक्स अमाउंट वो क्या थी, बची 2000। तो 2000 आपको निकाल दी फिक्स अमाउंट, और आप बचे हुए वो कुछ भी पूछ सकता है, 30 का पूछेगा कुछ भी पूछेगा, इंडिविजुअल निकालना चाहोगे तो वो भी निकाल सकते हो, क्योंकि 30 से इतना आ रहा है तो वो 1 से भी आप निकाल सकते हो, पॉइंट में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व कीजिए खुद से, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि अगर द रेशियो ऑफ द पर्सनल इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ लास्ट ईयर इज 6:5, द रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर इनकम एंड द करंट ईयर। देखो इसमें भी आपको रेशियो को कैसे यूज करना है वो समझाया जाएगा बहुत अच्छे से, कि लास्ट ईयर का क्या था रेशियो दे रखा है 6:5, और द रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर इनकम एंड द करंट ईयर इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:5। इसने बोला, कि लास्ट ईयर की जो इनकम का रेशियो है ना ए और बी का, वो 6:5 है, और अगर मैं सिर्फ ए को देखूं तो लास्ट ईयर में उसका 3:5 था और इस बार उसका 5 हो गया, 3 से 5 हो गया, और अगर बी को देखूं तो लास्ट ईयर में उसका 4 था तो इस साल उसका 7 हो गया। सम ऑफ द करेंट इनकम दे रखा है इतना, कि करेंट इनकम इतना है, कोई बात नहीं, तो करेंट इनकम सेपरेटली बतानी है कितनी कितनी होगी। अब हिंदी में पढ़ लो, ए और बी की पिछले साल की आय का अनुपात इतना है, ए और बी अपने पिछले साल और वर्तमान साल की आय का अनुपात क्रमशः 3:5 और 4:7 है, यदि दोनों की वर्तमान आय इतनी है तो ए और बी का अलग अलग कैसे निकालोगे। देखो ए की बात कर रहे हैं और बी की, ये 6 और 5, ये था लास्ट ईयर। अब देखो इसने बोला कि ए के ना 3 से 5 हो गया, तो 3 की वैल्यू लास्ट ईयर 6 थी, तो इस साल 5 की वैल्यू 10 हो जाएगी। बात समझ रहे हो इस वाली बात का, कि 3 से 5 हो गए लास्ट, और ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट आएगा प्रेजेंट। और अगर मैं बात करूं 4 से 7, तो 4 की वैल्यू 5 दे रखी थी, तो 7 हो जाएगा 4 से 7, तो मतलब 4 की वैल्यू 5 है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 35/4। कैसे किया, मतलब 4 की वैल्यू अगर 5 है, 1 की वैल्यू 5/4 और 7 की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे, तो 35/4 ये आ गई। तो इन दोनों का प्रेजेंट का मतलब 10 और 35/4 प्रेजेंट का सम दे रखा है 15,000, तो 10 प्लस 35/4 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालते हो, तो पहले तो इनका रेशियो देखो आप कितना रेशियो आ रहा है। अगर मैं अच्छा सब नहीं, पहले रेशियो निकालता हूँ इनका, है ना, आप रेशियो निकाल लो पहले, इसका रेशियो निकाल लो फिर प्लस कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पे ये कितना आ गया, अगर आप काटते हो 2 से काट दो, ये 5 2 5 7 और यहाँ पे 8 और 7, तो 8 और 7 यानी कि 15 की वैल्यू दे रखी थी 15,000, तो एक की वैल्यू 1000, तो इसका ये 8000 हो गया, ये 7000 हो गया, खत्म। आपको ये चीज आनी चाहिए, जो ये जो बनाया ना मैंने कि 6 से 10 आया और 4 से 7 आया, तो 35, तो 8 और 7। अच्छा क्वेश्चन है, आता है, मतलब बहुत फेमस क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। 2 पर्सन क्यू एंड आर अर्न इन द रेशियो 2:3, अर्न कर रहे हैं 2:3 में क्यू और आर, एक सेकेंड, दे स्पेंड इन द रेशियो 5:9। देखो अर्न का रेशियो है 2:3, स्पेंड का रेशियो है 9:5। स्पेंड ये अर्न है, ये मतलब इनकम है, ये स्पेंड है, और सेव
मतलब ये एक्सपेंडिचर था है ना, और सेव का रेशियो है 4:7, सब कुछ रेशियो में दे रखा है। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच इफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ बोथ क्यू और आर दे रखी है। देखो मेरी एक बात समझो ध्यान से आप, क्या बात है कि अगर आपने देखा ये 2 और 3 मतलब इनकम है ये 2x और 3x मान लो, तो अगर 2x में से मतलब इससे पहले आप समझो, पहले और एक चीज और समझो, पहले हिंदी में बता देता हूँ। क्यू और आर 2:3 के अनुपात में कमाते हैं, उनके खर्च का अनुपात इतना है तथा इतने अनुपात में बचत करते हैं। यदि क्यू और आर की कुल बचत इतनी है, 187,000, लेकिन हमें कितनी दे रखी है 4 और 7 मतलब 4 और 7 यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 187,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1 और 7 1700। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1700 है तो बचत एक्चुअल में कितनी हो गई, 4 यूनिट है ना, तो 1600 हो गई, और 1700 119 119,000 ये इतनी हो गई, तो बचत इतनी है। तो अगर इतनी बचत है, ठीक है, देखो मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ ना ये वाला, ये मैंने, मुझे मालूम है काफ़ी लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं और 1-1.5 मिनट इसमें खर्च करते हो आप, और जो बना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो भी किस चीज़ से बना है, एक्चुअल में इसका नाम ये है नहीं, लेकिन जो फेमस मेथड है वो इसी, जब भी इस टाइप की एक इक्वेशन बन जाती है a-b और यहाँ पे c-d इक्वल्स टू e-f इस तरीके से, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है बस, ठीक है। लेकिन इससे भी बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जब भी क्वेश्चन फॉर्मेट होता है ना, जब क्वेश्चन बनता है तो जानबूझ के आपको इस तरीके की वैल्यू, ये 187,000, ये 1600, ये 1900, ये अपने आप नहीं आ रहा, इसके पीछे लॉजिक है, क्वेश्चन की डिजाइनिंग इस तरीके से कि इस तरीके से आ रहा है। अब देखो आप, अगर 2x में से मतलब इनकम में से अगर मैंने सेविंग करी 6800 की, और अगर मैंने 3x में से सेविंग घटा दी इतने की, मतलब 2x में से सेविंग घटा दी, तो एक्सपेंडिचर आ गया, मतलब 9:5 आ गया। बस अब इसको सॉल्व कर लो, इसी को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यूज़ करते हो, लेकिन इसमें और जल्दी सॉल्व होगा कि 10x-1600 × 5 = 27x-119 × 5 00। अब आप देखो ये इधर इधर चला जाएगा तो 17x, ठीक है, यहाँ पे 17x आ गया, और ये कितना है, इधर लिख दूँ, हाँ इधर रुको रब करके इधर लिख देते हैं, तो जल्दी से समझ लो ताकि पेपर में आप जल्दी जल्दी कर पाओ, ठीक है। हाँ तो अब देखो इसके बाद, इस इक्वेशन के बाद, अब मैंने x x वाले एक तरफ कर दिए तो यहाँ पे 17x आ गया, और इधर वाले एक तरफ कर दिए तो आप यहाँ से देखो ये 119,000 × 5 - 16,800 × 5, यार ये 17 से कट जाएगा ना, ये कितने पे है, ये 4 पे है, ये कितने पे है, 9 पे है। बस बात बात को समझो मेरी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ इसके पीछे ये 9 आएगा यहाँ पे 9, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 9, तो इसको इरेज करके यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, तो ये 6300 माइनस यहाँ पे कितना आ गया 2000, तो बचा हुआ कितना है, ये एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली कि 4300 यूनिट की वैल्यू आपकी एक्स है। अब इसने जो पूछा है आप निकाल सकते हो, क्या पूछा है इसने कि इनकम कितनी है ना, तो इसका मतलब सिक्स यहाँ पे डबल करोगे तो 4300 का डबल कितना आएगा यहाँ पे 86, ये 8600, और 3 times करोगे 43 का 129,000, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा इसको ध्यान से समझ लो ताकि आपका आगे चल के कभी प्रॉब्लम आए ना इसमें। द रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर इनकम ऑफ, फिर से देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, इस बार 3 चीज़ें हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने जस्ट किया था, क्या है ए बी और सी के बारे में दे रखा है, लास्ट ईयर इनकम का रेशियो दे रखा है, और लास्ट ईयर और करंट का इंडिविजुअल दे रखा है कि ए की 2 से 3 हो गई, बी की 5 से 6, 4 से 7, 4 से 3, इस तरीके से सम ऑफ करंट इनकम सबकी तीनों की दे रखी है, पर 3 वेरिएबल है, लेकिन कंसेप्ट आपका वही चलेगा, कैसे,
अगर ये 3:5:6 है लास्ट ईयर की है, लास्ट ईयर, तो इस बार देखो क्या लिखा है, 2 से 3, तो ये अगर 2 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/2। आगे चलो ठीक है ना, 2 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू 3/2 और 3 की 9/2। बी वाले में कितना रहेगा, 5/6, तो 5 की वैल्यू 5 है तो 6 की तो 6 ही रहेगी। सी वाले में कितना है, 4 और 3, 4 की वैल्यू 6 है, 4 की वैल्यू 6 है, 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 9/2। ठीक है, अब इसको निकाल लो बस, 9/2:6:9/2 इसको आपने कर दिया तो कितना आया, 3, 2, 3, और कर दिया यहाँ पे 3, 3, 3, 4, 3, सही काटा है ना। हाँ ठीक है, तो 3, 4, 3 बस। अब आप देख लीजिए कि टोटल कितना है, 10, तो 10 की वैल्यू 10,000 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 1,000, तो ये 3,000, 4,000 और 3,000। अगर जो कंसेप्ट आपने पिछले वाले में समझ लिया तो ये तो आपके लिए केक वॉक होगा। ठीक है, और देखो एक चीज और, जब भी क्वेश्चंस बनाते हैं कई कई बार होता है, वैसे TCS इस टाइप की गलती करेगा नहीं, 10,000 है ठीक है, अगर आप 10,000 की बात कर रहे हो यहाँ पे तो सम भी मेरा 10,000 आना चाहिए, तो 11,000 है, ये 13,000 है, ये 10,000, ये 10,000, तो इन दोनों में से एक होना चाहिए था। अब इसको कैसे करोगे, ये हाँ ये फंस जाएगा क्योंकि शुरुआत का ये है और यहाँ पे आपका बात है, क्योंकि इसमें फिर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। खैर आपने 2 क्वेश्चन डायरेक्ट कर दिए, वैसे इस टाइप से अब नहीं होता, पहले होता था SSC में कि इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं बनेंगे, मेरे हिसाब से इस टाइप से ऑप्शन अब नहीं बनेंगे। नेक्स्ट, श्याम डिसाइडेड टू सेव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। श्याम ने कुछ पैसे जोड़ने के लिए डिसाइड किया, ईच मंथ, ठीक है इंग्लिश माशाल्लाह, एक तो ईच मंथली इफ श्याम सेविंग बाय द एंड ऑफ ईयर फ्रॉम दीज मंथली सेविंग वर 3 टाइम्स द अमाउंट ही स्पेंड पर मंथ, देन व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी दैट ही स्पेंड इन ईच मंथ। हिंदी में पढ़ लेते हैं, श्याम ने प्रत्येक महीने कुछ पैसे बचाने का निर्णय किया, अगर श्याम का सालाना बचत उसके द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक महीने का 3 गुना हो तो श्याम ने अपनी आय का कितने परसेंट हिस्सा प्रत्येक महीने खर्च किए। तो सीधा सीधा है देखो क्या, कि अगर मंथली कितना खर्च कर रहा है एम, तो जो एक्सपेंडिचर है ठीक है वो ई है मान लो 1 साल का, तो इसने क्या बोला कि अगर शाम सालाना बचाता है उसके द्वारा खर्च के प्रत्येक महीने का 3 गुना, प्रत्येक महीने का 3 गुना हो तो शाम ने अपने आय का कितना परसेंट खर्च किया। कहने का मतलब है कि इफ शाम सेविंग बाय द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है फ्रॉम दीज 3 मंथ सेविंग, अगर वो एमएम बचा रहा था तो लास्ट में कितनी आएगी, 12 एम ठीक है, और वो किसके बराबर है, दैट ही स्पेंड पर मंथ, ठीक है फ्रॉम दीज मंथली सेविंग वुड बी 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ही स्पेंड पर मंथ, और 3 महीने उसने खर्च किया। ये है देखो फिर से बता रहा हूँ, ये एम जो है ना हर मंथ सेव कर रहा है, ये खर्च कर रहा है, खर्च कर रहा है ठीक है। तो आपने देखा ये 3:1, मतलब इसको काट दो तो एम और ई 1:4 हो गया, तो ये तो सेव कर रहा है, मतलब ये से एम को सेव ले लो, ये एक्सपेंडिचर है तो सेविंग 1 है, एक्सपेंडिचर 4 है, टोटल इनकम कितनी आ गई, 5। अब इसने क्या पूछा है कि कितना खर्च कर रहा है, तो अगर आप बात करो तो 4, 5 में से 4 खर्च कर रहा है, तो 80% वो खर्च कर रहा है, कुछ नहीं था। ये वेरिएबल में देखा आपने कि 12 हर साल हर महीने कितना खर्च कर रहा है, एम सेव कर रहा है, और उसका बराबर कितने के दे रखा है, 3 महीने के एक्सपेंडिचर। ठीक है इसको ना थोड़ा और वेरिएबल की टर्म में लिख लो ताकि दिक्कत ना आए, जैसे मान लो ये 12 हर महीने एस सेव कर रहा है, यहाँ पे 3 ई है, अब ठीक है ऐसे कर दो कि एस और ई का रेशियो 1/4, तो सेविंग 1 है, एक्सपेंडिचर 4 है, तो इनकम आपकी 5 हो गई।
फाइव में से फोर आपका खर्च कर रहा है, तो कितने परसेंट, 80% आपका खर्च कर रहा है और 20% आपका सेव कर रहा है। तो खर्च पूछा है तो 80% आपका आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा आने के चांसेस कम है, लेकिन इसको भी मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर का इधर उधर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। एक्साइज ड्यूटी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। देखो, जो एक्साइज ड्यूटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपॉन में नंबर ऑफ जो गुड्स है उसके स्क्वायर। तो मैंने बताया जैसे ही प्रोपोर्शनल हटेगा तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस सम गुड्स एंड हैज टू पे सम टैक्स, कुछ उसने बनाया कंपनी ने और उसको कुछ टैक्स पे करना पड़ा एक्साइज ड्यूटी की तरह से, मतलब कुछ एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ी। इफ दैट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इतने, लेकिन अगर वो उस गुड को इकट्ठे ना देके ब्रेक करके दे रही है, मतलब कि 4:3:1 में दे रही है और पे टैक्स कर रही है हर एक इंडिविजुअल पे, मतलब पहले क्या था, देखो पहले क्या था कि 4:3:1 है ना, तो पहले पूरे 8 पे, समझ लो क्वेश्चन पहले ध्यान से, पहले 8 यूनिट था इस पे उसको टैक्स देना पड़ रहा था, बाद में 4:3:1 तो इस पे अलग अलग से टैक्स देना पड़ा, तो इससे क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ वो बताएंगे आगे, और हर एक पे अलग अलग दिया, तो उसने उसे कितने पे करने पड़े, इतने ज्यादा पे करने पड़े, अलग अलग देने से उसका नुकसान हुआ तो उसको कितने ज्यादा पे करने पड़े, 6670 ज्यादा पे करने पड़े, कोई बात नहीं। तो अब वो पूछना चाह रहा है कि शुरू में, मतलब पहले उसको कितने, द अमाउंट पेड बाय कंपनी इनिशियली इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, कितना उसको इनिशियली टैक्स की तरह से देना चाहिए था, इनमें से ऑप्शन में से आपको करना है। तो आप एक चीज देखिए, अगर वो पूरा इकट्ठा बेचता, देखो आप ध्यान से समझ लो इसको, मजा आ जाएगा आप लोगों को, अगर वो इकट्ठा बेचता तो जो मेरा एक्सपेंडिचर वो कितना आता, K/64 भैया, एन क्या है, 8:64, लेकिन उसने ब्रेक करके बेच दिया, तो जो मेरा एक्साइज ड्यूटी, एक्सपेंडिचर नहीं सॉरी एक्साइज ड्यूटी टैक्स कितना आ जाएगा, अलग अलग आएगा, 4 पे कितना आएगा, K/16, मतलब स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस पे कितना आएगा, K/9, इस पे कितना आएगा, K/1, एलसीएम ले लो, 16 और 9 के बाहर ले लो, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 9 144, तो आपने इसको प्लस किया 160, तो आपने देखा ये K/169/16×9, तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर देता हूं, मतलब कि अगर आप K/169/16×9 में से ये माइनस कर देते हो 64, इसी की तो वैल्यू दे रखी है भाई 6670, तो बस K आपने कॉमन ले लिया, अब आपने एलसीएम लिया है, कैसे आएगा 8×4×2 से अगर आप ब्रेक करते हो तो 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, एलसीएम ले लो 16×9×4, एलसीएम ले लिया, तो ये 169×4 आया, यहाँ पे 16×4 था ना तो 9, तो यहाँ पे आपने देखा 9, इसकी वैल्यू देखिए 6670। अब आप ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू आएगी ना ऊपर न्यूमरेटर, क्या 169×4−9, देखो मैंने इसको करा, अगर 169×4−9 कर तो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा और k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10×16×9×4। बस अगर आपने k की वैल्यू निकाल ली तो अब आपसे क्या पूछेगा, वो शुरुआत की बात कर रहा है, तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो अगर मैंने 10×16×9×4/64 कर दिया, ये 4 तो 90 आंसर आ गया, कुछ भी नहीं था इसमें, ध्यान से देखो बस, ठीक है, मतलब कि आपने इस कांस्टेंट वाली टर्म से, इसने पहले बोला कि पूरे 8 इकट्ठा 8 देता तो इतना टैक्स देना पड़ता, अलग अलग देना पड़ा तो इतना देना पड़ा, तो इन दोनों का डिफरेंस दे दिया इतना,
तो आपने सीधा सीधा सॉल्व करा, आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी। जैसे ही आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, अब उसने बोला ना कि कंपनी शुरू में कितना दे रही थी, तो के बाय 64 दे रही थी, तो के की वैल्यू आपने जैसे पुट करी 10 × 16 × 9 × 4 / 64, तो आंसर आ गया 90। कैलकुलेशन देख लेना बस, 90 ही आना चाहिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए, एक पर्सन ने डिस्ट्रीब्यूट किए अपने पैसे तीन पार्ट्स में, लेकिन चार बेटों को। बहुत बहुत स्मार्ट तरीके से करवाया जाएगा ये वाला भी। फर्स्ट पार्ट को इस रेशियो में, सेकंड पार्ट डबल है फर्स्ट का, थर्ड पार्ट डबल है सेकंड का। देखो, तीन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को इसने ब्रेक किया 5:4:3:2 में, तो टोटल 14 यूनिट इसने बेची, अपने बाटी अपने बेटों में। ये वाला 2:3:4:5, बात वही है, टोटल 14 इधर भी बाटी, और ये 4:3:5:2, तो इधर भी 14 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट की, लेकिन कितने में से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो बता रहा है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो इसने अपनी इनकम में से किया है वो बराबर नहीं है। अगर पहला, मान लो आपने, आप लेट करो, लेट फर्स्ट पार्ट 14 है, तो सेकंड कितना होगा इसका, डबल 28। मैं 14 ही क्यों कर रहा हूं, ताकि मेरे को सीधा सीधा आंसर मिले, काटने में ऐसा नहीं है। दूसरा 28, तीसरा इसका डबल, मतलब कि सेकंड वाले का डबल, तो ये कितना आ गया 56 यूनिट। आपने सब यूनिट माना है ना, ये मतलब मैंने यूनिट माना 14 यूनिट, 28 यूनिट, 56 यूनिट। तो अब इंडिविजुअली बोल रहा है वो, तो देखो इंडिविजुअली पहले की तो 14 है, तो 14 को 14 में करेंगे तो ऐसी मिलेगी, मतलब कि पहले बेटे को ए को 5, बी को 4, सी को 3 यूनिट और डी को 2 यूनिट। दूसरे वाले में 28 है डबल, मतलब इसको 4 मिलेगी पहले वाले को, दूसरे वाले को इसकी डबल डबल डबल। तीसरे वाले में 4 × 16 = 12, 20 और 8। अब आप देख लो कि किसको सबसे ज्यादा मिला। अब मैं ए की निकालता हूँ, ए को 5 यहां से मिले, 4 यहां से मिले और 16, तो मतलब 25 मिले। बी को 4 यहां से मिले, 6 यहां से और 12 यहां से, 22 मिले। सी को 3 यहां से मिले, 8 यहां से और 20 यहां से, 31 मिले। डी को 2 × 10 = 12, 12 × 8 आपके 20। बस अब किसको सबसे ज्यादा मिले भाई, अब आप आराम से निकाल सकते हो कि सबसे ज्यादा अमाउंट किसको मिली है। सी को, इसने कुछ पूछा है विच गॉट द मैक्सिमम मनी, मैक्सिमम मनी सी को मिली है और मिनिमम किसको मिली है, डी को। मिनिमम खत्म, मैक्सिमम सी और मिनिमम डी, क्लियर है। इसको बहुत स्मार्ट तरीके से कराया गया है, इस तरीके से कराया गया ताकि आप लोग समझो इस चीज को। जो मैंने 14 यूनिट, 28 यूनिट और ये जो लेट करके दिया है ना, ये इसी में सब कुछ मतलब इतने बड़े क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा उससे जल्दी आप आंसर कर दो कि क्वेश्चन समझते। और इस चीज को मैं बिल्कुल भी एग्जैगरेट नहीं कर रहा, ये बात आप भी जानते हो, और अपने आप से पूछोगे आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब क्या है इसमें, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, क्योंकि 2017 के टीयर 2 में आया था। क्या बोला गया है कि अगर इतने रुपए हैं और सुनील, अनिल और जमील को बांटे गए हैं इतने में, इस तरीके से बांटे गए हैं, सच दैट इफ इतने इतने इतने, अगर इतने इतने रुपए कम कर दिए जाए, कितने, 22, 35 और 48 हर एक में से, मतलब सुनील में से, अनिल में से और जमील में से 22 रुपये, 35 रुपीज़ और 48 रुपीज़ कम कर देते ना, तो जो इनका रेशियो था वो किस रे, मतलब जो बचे हुए पैसे किस रेशियो में हो जाते, 7:10:13। और अगर अब इसने पूछा है कि क्या रेशियो रहेगा अगर आप इसमें 16 77 37 ऐड कर दोगे, ये तो क्वेश्चन था, मैं हिंदी में भी एक बार पढ़ देता हूँ।
क्या क्वेश्चन है कि 15,525 रुपए की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जाती है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 22, 35 और 48 कम कर दिया जाए तो उनकी शेष राशि इतने के अनुपात में हो जाए। यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 16, 77 और 37 जोड़ दिया जाए तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, 15,525, अगर मैं ये पैसे हटा देता हूँ 22, 35 और 48, इसको प्लस करो 48 और 2, 50, 70, 70 और 35, 105, अगर आप इसमें से 105 घटा देते हो ना तो कितना बचता है 15,420। ये किस रेशियो में बांटा गया है, 7:10:13, यही बोल रहा है वो। इंडिविजुअली का मतलब यही है, पर भाई ये 22, 35 और 48 रुपीस जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, कर तो उसी में से रहे हो ना, टोटल में से। तो आपने देखा कि मेरा कितना आ गया 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 30 की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। तो आपने इसे काटा ये 5, 1 और 4, तो एक यूनिट की वैल्यू 514। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी कितने कितनी हो गई, 7 × 514 हो गई, इसकी सेकंड वाले की हो गई 10 × 514 और थर्ड वाले की 13 × 514, ये है। बट उसने बोला कि अगर व्हाट वुड हैव बीन द रेशियो इफ ऑफ देयर सम, अगर ये घटाने के बजाय इतने ऐड कर दिए जाते तो ऑब्वियस सी बात है, जो घटाने के बजाय ये भी आप चाहोगे कि ये भी ऐड हो और ऊपर से 16 रुपए ऐड कर दिए, ये भी 35 जो घटाए थे वो तो ऐड करोगे करोगे, ऊपर से 77 रुपीज ऐड कर दोगे, फिर से अब आपने ये भी ऐड किया, क्या बोलते हैं 13 और ऊपर से 37 ऐड कर दिए। देखो मैं ना इसको प्रॉपर सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज है, अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो मैं इसको भी बहुत स्मार्ट मेथड से करा देता कि बिल्कुल हैरान हो जाते हैं आप लोग, लेकिन इसमें नन ऑफ दीज है इसलिए मैं नहीं करा रहा वो चीज़, ठीक है। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे ना, मैं सीधा लिख रहा हूँ इसमें, आप इसको सॉल्व करोगे, मैंने कैलकुलेशन के आपको बहुत सारे हैक्स सिखा रखे हैं कि 3636 आएगा, ये 5252 आएगा और ये 6767 आएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप इसको 101 से डिवाइड करोगे तो 36, इसको 101 से डिवाइड करोगे तो 52 और इसको 101 से डिवाइड करोगे तो 67, यानी कि ऑप्शन सी आंसर आ जाता। देखो इसमें समझने वाला क्या है, जो मैंने तरीका जो आपको बताया वो समझो कि अगर ये 22, ये 22, 35 और 48 रुपीस जो है ये इनमें से निकाल रहे हो आप अलग अलग, मतलब कम कर रहे हो, तो इसका मतलब टोटल में से भी कम कर रहे हो, तो बचे हुए को आपने जैसे ही ब्रेक किया तो वो सीधी सीधी यूनिट आपने निकाल दी कि 30 यूनिट की वैल्यू 15420 दे रखी, तो एक की निकाल ली, अब बस 7, 10 और 13 की। अब उसने बोला कि अगर आप ऐसा नहीं करते, माइनस नहीं करते, उसके बजाय आप ऐड कर देते, तो माइनस नहीं करते वो तो हमें ऐड करना पड़ेगा 22 और 16, फिर 35 और 77, 17 और 13 और 37, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कम से कम आपको 2-3 बार देखना चाहिए। इन अ कंपनी नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स एंड चिल्ड्रन रेशियो इज इतना, इफ देयर वर्किंग आवर्स आर 5 hours, 6 hours, 5 hours रिस्पेक्टिवली, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन देम आर इक्वल, मतलब उनपे जो खर्चा किया जा रहा है पूरा वो बराबर है। इफ द टोटल वेजेस ऑफ वन मैन, वन वुमेन एंड वन चिल्ड्रन इज ₹600, तो इंडिविजुअल सैलरी कितनी है, मतलब वेजेस इतना 600 रुपए। तो ये ऑप्शन वैसे खराब से बना रखे हैं, वरना एक ही में आएगा कि यही 600, बाकी इसमें भी 600 नहीं आ रहा, इसमें भी 600 नहीं आ रहा, सम करके इसमें भी नहीं आ रहा, तो ऑप्शन को नहीं पहले मेथड समझो, ठीक है। मेल है अगर, ठीक है, और इफ द कंपनी नंबर ऑफ, मान लो 4M का रेशियो, ठीक है, और ये कितना काम कर रहे हैं। देखो मैं सीधा सीधा आपको ऐसे लिखता हूँ, मेल मेल फीमेल और चिल्ड्रन की बात करता हूँ, ठीक है। अगर ये 4, 5 और 12 रेशियो में है और ये 5 घंटे काम करते हैं, ये 6 घंटे और ये 5 घंटे, अब इसको काटो
सो काट दो, रेशियो दो ये तीन और ये चार, चार नीचे, तो ये जो 2:3:6 आ रहा है ना, ये सब एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल आ रहा है, क्योंकि जो खर्चा आ रहा है ना वो बराबर आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप देख रहे हो कि 4 hours के मतलब चार, मान लो चार ही मेल है और 5 घंटे एक बंदा काम कर रहा है, तो और ऐसे ही आप मान लो 5 ही फीमेल है और एक फीमेल 6 घंटे काम कर रही है, सिमिलरली 12 children है और एक चिल्ड्रन 4, तो इनके जो पर इन सबका वेजेस जो है ना वो इक्वल है, तो ये 2:3 मतलब ये सब बराबर है, इन सबको अगर मैं बोलूँ ये सब बराबर है कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, तो अगर ये सब k के बराबर है मान लो, तो इनका अगर रेशियो निकालोगे तो क्या मतलब ये 1/2, 1/3 और 1/6 आएगा ना, अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आप ये k की बात करो तो ये k/2, k/3, k/6 हो जाएगा, तो k तो कट ही जाएगा, तो अगर मैं इसको दोबारा से लिखूँ तो क्या रेशियो बनेगा मेरा मेंटेन होगा, तो 3:2:1, तो जो 600 रुपये है ना वो 3:2:1 में ब्रेक होंगे, तो 6 यूनिट की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू 100, 3 की 300, 2 की 200, 1 की 100, ऐसे ऐसे कीजिए आप, ठीक है। तो जो कांस्टेंट वाली चीज थी वो समझनी थी आपको। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सा कर लो, बहुत ही हलवा बना दिया जाएगा इस क्वेश्चन का, बहुत झंडे तरीके से कर दिया जाएगा। The sum of income of P, Q, R is इतना, P, Q, R इतना इतना स्पेंड कर रहे हैं। मैंने फिर से आपको इस टाइप का बता रखा है कि अगर P, Q, R की बात कर रहे हैं, देखो P, Q, R, अगर P 80% स्पेंड कर रहा है, ठीक है, तो 20% सेव कर रहा होगा, तो 20% सेव कर रहा है जिसकी वैल्यू दे रखी है 17, तो 100 की कितनी हो जाएगी 5 गुना यानी कि 85, ठीक है। दूसरा, अगर ये 85 5/7 स्पेंड कर रहा है, अगर 85 5/7 स्पेंड कर रहा है तो 14 2/7 बचा, ये 14 2/7 मैंने आपको बता रखा ना, ये परसेंट है, कहने का मतलब क्या है कि 1/7 की वैल्यू है, 1/7 की वैल्यू 12 दे रखी है, तो 1 ये फ्रैक्शन है, 1/7 की वैल्यू 12 है, तो टोटल कितनी आ गई 84, ठीक है। नवरात्रि चल रहा है ना, बाहर कीर्तन हो रहा है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करता हूं मैं, क्या है अब 63 7/11 परसेंटेज खर्च कर रहा है, बचा कितना 36 4/11, इतना बचा 36 4/11 का मतलब क्या है, और मतलब कि अगर आप बात करो 1/11 अगर मैं देखता हूं तो वो कितना आता है 9.09, तो ये 36 समथिंग परसेंटेज है, मतलब ये वैल्यू जो आपको दे रखी है 4/11 की, तो अगर 4/11 की वैल्यू आपको 4 यूनिट दे रखी है सेव 4 यूनिट, तो 1 की कितनी आ जाएगी 11, तो अब आपको पता चल गया कि 85 84 और 11 इन सब का सम जो है उसकी वैल्यू अगर मैं प्लस करता हूं इन सबको, तो आपने प्लस किया तो कितना आया 180, ठीक है ना, 160 180 180 आ गया, 180 यूनिट की वैल्यू आ रही है 216 00, एक की कितनी आ गई यहां से काटो 1120, तो एक की वैल्यू अगर 1120, आपसे पूछा क्या है डिफरेंस बताना है पी और आर का, P और R का मतलब 85 माइनस 11 का, 85 माइनस 11 की वैल्यू, 85 माइनस 11 की वैल्यू कितनी है 74, तो 74 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 74 × 1120 अगर आप करोगे, मैं आपको ये सॉल्व करने का तरीका नहीं बता रहा, मैं बता चुका हूं बहुत बार, 82880 आंसर, ये आंसर है, क्लियर। और यार दो घंटे हो गए, चलो मैं इसको यहीं रोकता हूँ, और क्योंकि दो घंटे के चंक्स में देता हूँ मैं आपको, आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है, तो ये इसको यहीं पे रोक देते हैं, आगे मैं नेक्स्ट पार्ट आपको देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था और इसको अच्छे से कीजिए, फिर सेकंड पार्ट अच्छे से करना, मतलब पूरी कंपाइलेशन आपको दी जाएगी, बहुत बहुत बड़ी। अभी तो हमने ये लगा लो, मेरे ख्याल तीन पार्ट तो आएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी पता नहीं, आगे शायद सिंपल क्वेश्चन हो, ठीक है, हो सकता है सिंपल क्वेश्चन हो, मुश्किल क्वेश्चन हो। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप पे अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और नंबर वगैरह ये रहा, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। जैसा आपको ठीक लगे आप लोग कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट।